आप हो लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता आपको, और ये चीज डिफाइन करेगी, ये डिफाइन करेगी जो भी चीज मानी जाती है, जो लिखी हुई होती है वही चीज मानी जाती है, वो आगे रूल्स एंड रेगुलेशंस में आएंगे ना। सर जी तो एक टेरेस है, जब ये जाते हैं सर फिर उसके बाद जो नहीं याद देखो ना, मैं मिसाल देता हूँ, एक्ट की मिसाल कुरान की तरह है, रूल्स एंड रेगुलेशन की मिसाल सुन्नत और अहदीस की तरह है। असल तो कुरान है ना सर, ठीक है? नहीं ना, कुरान में सब चीजें नहीं लिखी जाती है यार, समझ लो यार मेरे भाई, तो उसमें एक ब्रॉड टर्म होती है, बाकी आपके पास वो हो जाती है, तो आप ब्रॉड टर्म इसको रहने दें, इसको आप कमिट ना करें। आपको देखो कमिट करोगे आपका अपना नुकसान होगा। सर हमारे सर एक मैं एक अर्ज है मेरी, हमारे वहाँ क्वेटा में एक स्ट्राइक चल रही थी हमारी, तो रेसानी साहब सीएम थे हमारे, हम वहाँ उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैं आपको जबान दे रहा हूँ कि मैं आपको हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस लगा के दूंगा, तो चूंकि वो नवाब भी हैं तो उन्होंने कहा एक नवाब आपको ये जबान दे रहा है, तो हमने उनसे कहा कि नहीं सर, इस वक्त आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो नवाब भी नहीं है, सीएम की कुर्सी। सही बात का। और यहाँ पर जो रिटर्न में लिखा होता है वही चलता है, यहाँ पर जबान वाली किसी तो चलते नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं वो ओमिशन नहीं कर रहा, कभी वो कर रहा हूँ, लेकिन सर इसमें ये है कि जो चीज में लिखी होगी कल हमारे पर इम्प्लीमेंट वही चीज होगी। ओ भाईजान आप सुन लो, थोड़ा सा पढ़ लो, आगे जाके पढ़ लो, वो कहता है सर मैं सुन लेना, वो कहता है पढ़ पढ़ के तो सर मुझे इतनी जबानी ये पूरा एक्ट याद हो गया है कि अब तो जिस पॉइंट पे भी आप बात करें मैं एक्ट और उसके साथ आपके साथ बात करूंगा। आप मुझे बताओ, आप मुझे चल एक काम करो, आप मुझे बताओ, मैं अभी आप मुझे बताओ पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल्स क्या है। सब कुरान शरीफ तो नहीं कि मैंने उसी पर एक्ट किया, देखो मेरी बात सुनो, आपकी जो चीजें हैं ना वो एड्रेस्ड है, मैंने इसको स्पेसिफिकली जाके चेक किया है, स्पेसिफिकली आप क्या आपको अलाउड है, तीन चीजें आपने हमारे साथ उस दिन वो किया yes, था कि तीनों मैंने चेक किए हैं, वो चौथे पे आपने कहा कि मैं डॉक्टर फैसल के साथ वो करता हूँ, चौथी चीज तीन चीजें क्या थी, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है सर, टॉप ऑफ द लिस्ट, वो आपके पास अलाउड है पढ़ ले। पावर एंड फंक्शंस के नीचे वो उसका नंबर वन छोड़ के नंबर टू पे जाए, अगले पेज है पेज नंबर सिक्स पे जो नया वाला, ठीक है? All actions of the council shall be taken in accordance with the provision of this act and the council shall explicitly define the scope of practice in each category of discipline. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum. और इसमें डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इंसान, क्या हाल है हाशिम इधर आ जाओ, सामने का ये मैं तो नहीं होने दूंगा, मैसेज करके लिखाओ, अभी हम ब्रीफिंग देखे हैं अंदर, ठीक है सर देखिएगा शुरू होता है, मान गया ना बाहर जा बंदा ना लगा है सही अंदर ये अपना रिटर्न पहुँचाते हैं। हाँ जी रिटर्न है वो ये हम बनाते रहे सब फाइल्स के, इसमें सारा कुछ नहीं है, चलो कोई नहीं एक फाइल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है हमारी तरफ से ठीक है, इसमें देखते हैं हमने सारा कुछ मेंशन किया है, उनके पास जाएगा बस। अभी जो हमारे पास फाइल्स हैं अभी सेनेटर्स को दे दे ताकि वो पढ़ भी लें। हाँ दे दो ना उनको, वैसे उनके पास है टंकी साहब के पास है पहले, Thank you.
चीज़ों से सर यहाँ पढ़ लेंगे। थैंक यू सर, सही हो गया। सेल्फी लो छाड़ मुझे। जो जो हमारी नजर में अच्छे जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ में भी हम प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुने वो किसी 10 नंबर में भी नहीं है। 10 नंबर भी नहीं बने तो इनके साथ तो हमारा वो बना भी हुआ है। शुरू करते हैं। मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं तो मतलब वो मेन आदमी बैठा हुआ है। पूरा पूरा है ना, पूरा ठीक है सर। रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग जब ये बोलने थे एक्चुअली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतुरेना कल कौसर फसल ले ले रखे कबन हर इन निशान आतो हुआ पत्थर सदक अल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 3 बिल हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, और अगर उनमें कोई कमी पेशी है जो हम लोग समझते हैं कि उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो वो कर लेंगे। तो हम एजेंडा से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एजेंडा का पहला आइटम है कंसिडरेशन ऑफ बिल टाइटल द एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बिल 2022 मूव बाय सेनेटर सैयद शिबली फराज मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जहीरुद्दीन बाबर अवान एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन द सेनेट ऑन 24 जनवरी 2022 एंड रेफर्ड बाय द हाउस टू द कमेटी फॉर कंसिडरेशन एंड रिपोर्ट। तो हम उस पर शुरू करते हैं। तो एक हम आप वो सर मुवर नहीं है ना, सर उसकी जगह कोई कर सकता है, कोई कर सकता है इसका जरूर उसमें। अच्छा सर, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मुझे बता रहे कि ये चूंकि ये गवर्नमेंट का वो है तो इसके लिए मूवर्स होना जरूरी नहीं है, प्राइवेट मेंबर के लिए होता है। सर देखिए मेरी बात सुनो, उनका है बिल और मैं ये दूसरी मरतबा हूँ इसको, अगर गवर्नमेंट
का है लेकिन उसने वो किया है ऑन बिहाफ किया उस दिन वो जहीरुद्दीन बाबर का थे नहीं तो इसमें लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ जहीरुद्दीन बाबर जी तो जहीरुद्दीन बाबर इज द एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट है तो एज पर रूल्स अगर हमें तो इतराज नहीं है जबकि लेकिन रूल्स की इजाजत नहीं है बाकी हमें इजाजत नहीं है तो इतराज नहीं है और इसकी एब्सेंस में आप करते हैं कौन मूव कर सकते हैं मूव कौन कर सकते हैं कौन करेगा अच्छा ठीक है उसमें एक और मैं वही डिस्कशन के लिए क्योंकि जो एस ए पी एम साहब हैं ये हाउस में नहीं जा सकते थे मेनली बिल इनकी तरफ से है एक्चुअली बिल इज फ्रॉम द गवर्नमेंट एस ए पी गवर्नमेंट ठीक है तो उसमें चूंकि नहीं जा सकते ये हाँ जी अभी मूव करेगा ये अभी गवर्नमेंट के बिल के लिए मूवर्स की जरूरत नहीं होती फिर यहाँ पे शिपी फराज का नाम क्यों लेता है गवर्नमेंट लिखना चाहिए क्योंकि उस दिन वो बैठे हुए थे ना सर उस दिन शिपी फराज साहब थे उस दिन ये अपने वो नहीं बैठे हुए थे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ये ओके ठीक है हमें इतराज नहीं हाय सर आप इसके बारे में कुछ वो बता रहे फिर डिस्कशन कर लीजिए अच्छा सर तो बात ये है कि एक बात है सर अगर कल फिर मूवर जो है हाउस में इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाए उसकी फिर जो है होनी कि यहाँ पे एक्सेप्ट होता है मूव होता है या रिजेक्ट होता है वो फिर आप लोगों की जिम्मेदारी क्योंकि आप दोनों गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर इसमें ऐसा है मैं अर्ज करूँ देखिए पॉसिबल कल वो हाउस में उठ के कहेगा कि मैं नहीं था और मेरा बिल रिजेक्ट हुआ है लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ देखिए ये हमारे देखिए हम आए हैं इस मीटिंग के लिए इसी तरह कराची से आए हैं बलोचिस्तान से इस मीटिंग के लिए हम आए हैं और इसका मकसद ये है कि हम इस पे बात करें और जो हमारा कंसर्न है वो हम क्लियर करें चाहे हम उसको रिजेक्ट कर दें या पास कर दें लेकिन मैं यही इस चीज़ में के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो मैं बयान कर रहा हूँ बाकी आपकी मर्जी है हुकूमत है शिवली भी हुकूमत आप भी हुकूमत और हमारी भी हुकूमत जो हेल्थ प्रोफेशन है वो रेगुलेट होते हैं दुनिया जहाज में होने चाहिए मेडिकल डेंटिस्ट्री नर्सिंग अच्छा लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ ये भी चीज़ वाजे हो गई है कि हेल्थ के प्रोफेशन में और बहुत सारे हिस्से हैं उसके जो प्रोफेशनल्स हैं और एट वेरियस स्टेजेस वो अपना खिदमात अपनी देते हैं हेल्थ केयर के अंदर और टीम का हिस्सा होते हैं तो उनकी जो प्रोफेशनल रेगुलेशन है वो भी ज़रूरी है ताकि जो आवाम है लोग हैं उनको एक सेफ प्रोफेशनल की अश्योरेंस हो सके सिंपल सी चीज़ बात अभी पीछे तो केस चल रहा है उसके बारे में अच्छा नहीं लगता लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से काउंसलर्स रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट लैब टेक्नोलॉजी रेडिएशन टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी ऑप्टोमीट्री मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है एलाइड प्रोफेशन अच्छा इसमें कोशिश ये हम कर रहे हैं सर कि एक अम्ब्रेला काउंसिल बन जाए और उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं सो इन अदर वर्ड्स उसके अंदर स्केड्यूल के जरिए आप ऐड कर सकते हैं एडिशनल शुरू में आप इनिशियल में आप 20-35 की लिस्ट हमें डाली हुई थी फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अब ऑपोजिट तो ये फैसला होगा कि जो अब
ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और वो जो उनका प्रोफेशन है वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख कर आप फैसला करेंगे कि भाई ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन करा सकता है और उसकी जो प्रैक्टिस की है या काम के कार्यकाल है उसको क्या होगा, काम होगा ज़्यादा होगा, क्या इंडिपेंडेंस होगी, क्या नहीं होगी, और इसमें हार्ड फैसिलिटी इसकी आसानी ये होगी कि एक एक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जाते हैं वो एक ही जगह होंगे बजाय इसके कि हुकूमत तीस जगह उसको वो करेगी और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा कलेक्शन है, डेटा बेसिस मेंटेन करने, डेटा को एक्टिव रखना, वो एक जगह हल हो जाएगा और उसकी जो प्रोफेशनल इनपुट है वो मुख्तलिफ तरीके से टेक्नोलॉजी के अलग होगी। ये है जी बेसिक इसका इसमें कुछ डिटेल जानना चाहते हैं। जो पॉइंट आता है वो बता दे। नहीं मैं वही कहता हूँ, मैं नहीं था आया, इस वजह से रात पहुँचा हूँ तो भी काफी मुझे उधर। ये तो हमने 10-12 दिन पहले वैसे सर्कुलेट भी कर लिया, मैंने सारी रात आके चेक की, मैं भी 5-6 दिन से नहीं। अच्छा चलो खैर, हाँ तो इस वजह से कोई मसला नहीं। जीता जीता हिस्से में सर आपको बता दूँ, काउंसिल के मेंबर होता है, हेड ऑफिस द काउंसिल इस्लामाबाद, काउंसिल शराब ऑफिस इन ईच प्रोविंस इन एनी अदर रीजन, और जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर औकात इस पर ज़्यादा ये वही आइटम होता है जिसमें बहुत नीति हेल्थ ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये अक्सर सारी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव तो 5 वो हो गए, छठा ये हो गया। वन हेल्थ प्रोफेशनल टू बी नॉमिनेटेड बाई ईच प्रोविंस जी बी एन एज के फ्रॉम कैटेगरी स्केड्यूल 1 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अब ये वो हैं सर, ये वो मेंबर्स हैं जो शामिल हो रहे हैं इसमें जो स्पेशलिटी शामिल। वन हेल्थ प्रोफेशनल सॉरी 3 मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर्मेंस नेशनली रिकॉग्नाइज्ड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सन ऑफ रिप्यूट लीगल प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, और upon constitution of the advisory committees, the chairman of each advisory committee shall be a nominated member. तो ये सब टॉप लेयर है, इसको देखिए टॉप लेयर जो है गवर्नेंस की है जिसमें 5 डीजी हेल्थ हो गए और ये जो प्रोविंसेस से रिप्रेजेंटेटिव स्केड्यूल 1 का एक बन रहा और इसके अलावा सिविल सोसाइटी। अब इसके नीचे जो काम करेंगी वो इंडिविजुअल एडवाइजरी कमेटीज है, यही नाम दिया हुआ ऐसे जो एडवाइजरी कमेटीज हैं वो स्पेशलिटी वाइज। तो जब एडवाइजरी कमेटीज फॉर्म हो जाएंगी तो उनमें से जिनका चेयर है वो भी यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगी इन द मेन काउंसिल। तो ये है सर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा उसके पावर एंड फंक्शन की थोड़ी सी बात कर देते हैं। जैसे मैंने अर्ज की रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज फॉर फैक्ट्री। अब ये स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस अलग अलग है, ऑटोमेटिक अलग है, रेस्पिरेटरी थेरेपी का अलग अलग है। Define in consultation the scope and standards of study, instruction and training. तो एक तो आपने मियाद सर्विस क्या देने हो आप देने, पर साथ ये भी होगा कि कौन वो कहला सकता है, क्या तालीम आपको इनफ है उस कैटेगरी में। तीसरा है कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमेटी जो मैंने जिक्र कर दी। फिर प्रैक्टिस सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड कॉन्डक्ट फॉर ईच डिसिप्लिन, और फिर उनको रजिस्टर करना इंडिविजुअल। तो अब लेट्स से मैं आज बन जाता हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता हूँ, तो जाहिर है मेरा नाम एक रजिस्टर पे भी होना चाहिए कि कंफर्म हो सके कि ये साहब है या नहीं। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद के फिर कोई रिक्वायरमेंट्स या ऑन गोइंग तालीमें बारह रिक्वायर्ड है, कभी साल में 2 में आपने कोई इजाफी तालीम हासिल करनी है, फिर ट्रेनिंग हासिल करनी है, वो उसमें डाला जा सकता है। हुकूमतों को एडवाइस करना स्टैंडर्ड्स उनके इम्तहान के, अगर कोई वायलेशन हो उनके उसके प्रोविजन की उसकी क्या मेजर्स किए जा सकते हैं। तो ये बड़े नॉर्मल से इसके वह हैं, एक दो और हैं सपोर्टिव किस्म के जो क्लॉजेज होती हैं। तो ये पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल है। बेसिक काउंसिल ओवरऑलिंग बॉडी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, हमने ये किया कि जो भी उन क्लॉजेज में होगा एक दो दो रिस्ट्रिक्टेड क्लॉजेज हैं जो मना कर गई। टर्म्स ऑफ ऑफिस 3 होगा और मीटिंग जो है वो पैटर्न जैसे होता है। जो एडवाइजरी कमेटी, ये बड़ी अहम चीज़ है,
अच्छा असल जो इसकी फंक्शनल पार्ट है ना प्रोफेशन वाइज वो एडवाइजरी कमेटी है, क्योंकि जाहिर है 35 या 25 या 26 स्पेशलिटी एरियाज में एक दूसरे को नहीं बता सकता, वो जाहिर उस फील्ड के लोग भी उसमें तालियम कर सकते हैं कि क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए। तो ये उसमें ये जो एडवाइजरी कमेटी जो उसका भी आपने पढ़ लिया बेसिकली, ये इसका ताल्लुक उनकी तालीम और उसकी स्टैंडर्ड सी 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 के आप जान सी नाइन सी टेन सी नहीं फोर सी फोर सी जी बिल्कुल। क्रिएट कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमिटीज ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशंस फॉर कैटेगरीज एंड स्केड्यूल वन इन विच द बेसिक क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन इज अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री। सो वो तमाम अच्छी गुड पॉइंट, वो तमाम एरियाज जहां रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी डिग्री की है उसमें कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमिटी होगी। सो मिसाल के तौर पर अगर लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनने के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री दरकार है तो उस सूरत में फिर उसकी एडवाइजरी कमेटी अपनी बनेगी, एज अपोज टू अगर आप कोई ऐसे चीज हेल्थ प्रोफेशन का कोई ऐसा हिस्सा रेगुलेट कर रहे हैं जिसको यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है इंसान के पास, तो वो जो है उसको अलग से उसकी एडवाइजरी कमेटी बनाने की वो काउंसिल को देखिए। मैं ये समझा था कि जब आप कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे ऑफ रेलेवेंट प्रोफेशनल्स जो उस स्केड्यूल में लिखी गई है, तो जो शख्स होगा उसने कोई रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री अचीव की होगी तो उसका मेंबर हो सकता है, अगर उसने वो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं ली तो वो उसका मेंबर नहीं हो सकता। तो दिस इज लाइक अ मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी इन दैट एडवाइजरी कमेटी। The power and function, the council shall perform the following, namely, CPR, create category-specific advisory committees of relevant professionals for categories in Schedule 1 in which the basic qualifying qualification is a recognized university degree. So, both tamam skill areas, jisme university degree darkar hai, unko apni advisory committee unki banni padegi. Ye nahi ho sakta ki council directly unko. Doctor, I'm sorry to interrupt you. I'm a bit late. I'm totally confused as to where you're reading from because I can't. Sorry. It's page number 5, number 4 ka C clause. Allied health professionals. Page 5. C. Let Senator Rubina catch up on the page. Are you okay? आगे चले बताना चाहते हैं। हाँ, ठीक है जी। बोलिए। इसका कारण ये है कि जब ये लॉ का डिस्कस हुआ नेशनल स्टैंडिंग कमेटी में तो हमारे पास कुछ डिसिप्लिन के लोग आए उस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी आए, उन्होंने ये एडिटेट किया कि हमारी 4 साल 5 साल 3.5 साल की यूनिवर्सिटी की BS ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है और ये जो 25 डिसिप्लिन शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं इनमें कईयों के सिर्फ डिप्लोमे हैं, तो हमें और उनको आपस में मुमताज़ करना चाहिए। उनको मुमताज़ करने के लिए हमने ये प्रोविजन ऐड की कि जिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी की अच्छा चीज में से 4 साल 5 साल की डिग्री है बकायदा यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अपनी होगी वो इसके अंदर एक अपनी एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, ठीक है, और वो एडवाइजरी कमेटी उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के जिस तरह फिजियोथेरेपी वाले थे सर वो हमारे पास आए उनके साथ कमेटी के बाद हमारे दफ्तर में मैटर मैनेज करता हूं। ये जो आपने सारी ये लिखी है कि ये होगा वो होगा फलाना होगा काउंसिल मैडम सेक्शन 3 वाले प्राइम मिनिस्टर वुड बी अपॉइंटिंग दीस पीपल नो काउंसिल को अपॉइंट काउंसिल जी लेकिन चार तो आप लाइक व्हाई नॉट उसमें हेल्थ मिनिस्टर करनी है मतलब
आपको समझ आ रही है या कोई अथॉरिटी सिंगल नहीं गवर्नमेंट मीन जी सर आई कैबिनेट लेकिन वो फेमस जजमेंट है क्या नाम है इंपैक्ट वाली वो सर ये कहती है कि जहां आपने लफ्ज हुकूमत लिख दिया वहां प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं कर सकते लेकिन अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखा है तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर कर सकता है वो हो ये रहा था कि गुज़िश्ता मैडम आपकी बात भी आप पहले सर के साथ क्लियर कर रहे हैं कि बात ये है कि वो अलग चीज है जहां लफ्ज आपने गवर्नमेंट लिख दिया वहां वजीर आजम अकेला नहीं कर सकता उसको काबीना के साथ भी लिखती लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर लिखा है वहां प्राइम मिनिस्टर कर सकता है लेकिन अपना सेंटर साहब तो और आगे बात कर रही है वो ये कह रही है कि यार इसमें आप व्हाई वुड यू एक्चुअली नीड द प्राइम मिनिस्टर टू इवन वो कह रही है कि शायद उसको फर्दर डिवॉल्व करें दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से प्राइम मिनिस्टर के पास और बहुत बड़े इश्यूज हैं मेरे मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं अब वो काउंसिल के मेंबर्स भी प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करने हैं तो बाकी लोग ऐसे लेकिन इसमें जो मुझे समझ आ रही है इसमें देखिए इसमें जहां तक सिर्फ आपका नंबर वन एक्स ऑफिशियल से आपका डैम वो चार पॉइंट तो आपने वैसे ही एक्स ऑफिशियल आ गए चार ऑफिशियल तो ठीक है आई 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 उसमें सिर्फ मुझे कोई एतराज नहीं है तीन मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी है ये चीज हो रही है प्राइम मिनिस्टर को क्या टाइम मिलेगा कि वो मतलब एक बॉडी तो आपकी है नहीं ना अभी बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं हर एक का वो प्राइवेसी कंसर्न करेगा प्राइम मिनिस्टर को देखिए डॉक्टर साहब प्राइम मिनिस्टर deal with the national issues he has to deal with the international issues aap prime minister ko idhar bhi leke aa rahe ho council mein bhi yahi ko naam dekar ke lagayega acha madam main वैसे I personally कोई बेस मौजूद नहीं मुझे बता दें नहीं क्या सजेशन क्या आपका नहीं वैसे मैं हमारी आप वो आप लीगल पॉइंट को बताना चाहते हैं ज़ाती तौर पे I would say fine मतलब मुझे I think कि जो health minister है या I would be happy with the health secretary appointing अगर you know the day to day उसको पता है सारे लोगों का कौन कितने पानी में सर मैं ठीक है सर एक थोड़ी सी लॉजिक लॉजिक है मोहम्मद असलम डॉमिनिस्ट्री से सर जाम मोहम्मद असलम सर जब आप अगर ये होता फेडरल गवर्नमेंट के लेवल तक का फिर तो इनफ था कि मिनिस्टर इंचार्ज इसमें एजे के हैं इसमें प्रोविंसेस के मेंबर्स इन्वॉल्व हैं जब वो लोग इन्वॉल्व हैं तो उसके लिए जो पावर हरासत की गई है वो प्राइम मिनिस्टर आप बिल्कुल गलत जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप बिल्कुल देखें आप हेलो एक्सक्यूज मी यू आर हियर ओनली टू इंटरप्रेट द लॉ फॉर अस नॉट टू गिव अस जस्टिफिकेशन प्लीज डू योर जॉब आपको जो काम है वो आप करें आपने यहाँ सिर्फ हमें जो लीगल ओपिनियन है वो देना है यू हैव डोंट हैव टू गिव जस्टिफिकेशंस फॉर द लॉ दिस इज नॉट योर ड्यूटी आई एम सॉरी इधर भाई मैं पर्सनली मेरा नहीं ख्याल कि ये this necessarily has to be the prime minister appointing yeah exactly but minister mujhe koi is pe dekhiye sabse pehle issues to ho rahe hain is tarike se do cheeze hain let's put like this with due respect sir sir main ek minute सेनेटर साहब एक्चुअली जो मुझे समझ आ रही है एतराज किसी को नहीं है कि इसके ऊपर नाम आप हेल्थ मिनिस्टर का लग दे या हेल्थ सेक्रेटरी का लग दे एतराज वो नहीं है एतराज मिसाल में जो मुझे समझ आई है वो ये है कि जब आप लॉ की बात कर रहे हैं तो चूंकि इसका स्कोप इज नॉट लिमिटेड टू द फेडरल एरिया इसका स्कोप इज going beyond federal area to the AJK, to the Gilgit-Baltistan, to the all four provinces. So, जब उसकी तरफ जा रहे हैं तो आपको health minister से ऊपर जाना पड़ेगा towards the upper authority. That could be either the government or जो cabinet है or it could be a prime minister, one of them. ठीक है?
मेरे लिहाज से लेट्स सपोज जो मेरी सोच है, अब मुझे चूंकि मैं कभी गवर्नमेंट में या किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं रहा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू फाइंड द नेम एंड एवरीथिंग, इट विल बी मेनली गिवन बाय सो थैंक यू एंड दे हैव टू जस्ट साइन इट, इट्स जस्ट द सिग्नेचर ऑफ आपकी इजाजत देके मैडम रुबीना, बात ये है कि जो ज्यादा ओनरस हो जाती है ना चीज, जो ज्यादा बोझल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, वो होती है जहाँ आप कैबिनेट या गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, इट इज ऑलमोस्ट नेवर एन इशू इन द सेंस कि हेल्थ मिनिस्ट्री से होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री या मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का ही अपॉइंटेड होगा, एक वो छान पटक के उसने नाम तीन दिए होंगे तो वो उसको अप्रूव कर देगा। ना इसमें देर लगती है ना ये बोझल बनता है, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट। हाँ, बोझल तब बनता है जब आप गवर्नमेंट का लफ्ज यूज करेंगे या वो रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रोविंस की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऑब्वियसली सीएम के थ्रू ही आ रही होगी ना, तो आपके वहाँ पे प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन आ गई। बात ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर करे या हेल्थ मिनिस्टर करे, जो हमारे जितनी साथी आई हैं उस इस काउंसिल के बारे में उनकी जो रिजर्वेशन है उनको हमें सुनना चाहिए, फिर हम आएंगे, उसके बाद हम आएंगे। अगर सपोज हम जाते हैं तो फिर हम देखेंगे इस चीज़ को कि प्राइम मिनिस्टर करे या हेल्थ मिनिस्टर करे, एडवाइजर साहब करे, कोई भी करे, लेकिन सबसे पहले जो लोग मुल्क में लाखों की तादाद में इस काउंसिल से वो खुश नहीं है, क्यों? वो उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे हैं, हम तीन बंदों को दो दो में दे देंगे कि वो भी अपनी बात करें कि क्यों हमें इस पे एतराज़ है, क्या रिजर्वेशन है, क्या मैसा, तो फिर हमारी बात क्लियर हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कौन होना चाहिए किस तरह। मेरी जो जो इतराजात होते हैं उस बारे में मेरा पहला सवाल ये होगा कि पहले कोई ऐसी काउंसिल या नहीं थी जो रेगुलेट करती थी इस चीज को, पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, यही तो मसला है सर। इस तरह है कि जनरली ये इनमें से ज्यादातर बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दो तीन मिसाल देता हूँ, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं उनमें से चंद एक के अलावा एक बहुत सारे लोग हैं वो एक्चुअली दे आर वर्किंग एज एन आई स्पेशलिस्ट, जो आपके बहुत सारे लेट्स से जो डेंटल टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग एज अ डेंटिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आपकी हाँ प्लीज, आप बहुत टेक्निकल हो गए, आप क्योंकि खुद डॉक्टर हैं, मैं थोड़ा सा मोटा जवाब देना सर। वो तमाम लोग सेंटर साहब रहमान सर, वो तमाम लोग जो इस काउंसिल के खिलाफ हैं या उनको रेजोल्यूशन हैं या कंसर्न हैं, उनकी बात बिल्कुल सुन लेते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि एज इट स्टैंड्स टुडे, जैसे आज हम खड़े हैं, हम वहाँ कहाँ खड़े हैं और इसकी ज़रूरत क्यों आ रही है? हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि मैं अब चीज़ों के नाम लिख देता हूँ और आपको खुद एहसास होगा कि जब आप, मैं या ये सारे लोग जिस पर एतराज़ कर रहे हैं या कंसर्न शो कर रहे हैं, जब हम अपनी हेल्थ केयर लेने जाते हैं तो हम तो चाहते हैं हमें बेस्ट मिले, तो उस बेस्ट को अचीव करने के लिए कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स चाहिए। अब मैं गिनता हूँ, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल रेगुलेटर है? नहीं है। ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल रेगुलेटर है? नहीं है। मुझे और आपको तो साफ सुथरा खून मिल जाएगा, आप सेनेटर हैं, मैं डॉक्टर हूँ, बट कोई हमारे पास सिस्टम चाहिए कि ट्रेन लोग हों कि प्रॉपरली स्क्रीन ब्लड। मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, हम जाते हैं लैब से टेस्ट लेते हैं, रिजल्ट आता है, हिस्टोपैथ साइटोपैथ हीमाटोलॉजी क्लिनिकल केमिस्ट्री मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी मोलेकुलर बायोलॉजी। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन ऑपरेट कर रहा होता है, उसको असिस्ट कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ओ आर टेक, कोई प्रोफेशनल रेगुलेटर नहीं है। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, डेंटल, रीनल एंड डायलिसिस, एस्थेटिक्स एंड स्किन केयर, एंडोस्कोपी, ऑडियोलॉजी, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी, पब्लिक हेल्थ, ये 25 स्पेशलिटीज है, मैं सारे नहीं नाम लिखा था। देखिए पॉइंट सर ये है कि मेडिकल केयर आजकल के दौर में सिर्फ डॉक्टर डेंटिस्ट और नर्स नहीं रह गए, ये दीगर प्रोफेशनल्स आ चुके हैं।
हमें बहुत जरूरत है एज अ कंट्री टू नो कि यार उनका तो मिनिमम स्टैंडर्ड है या नहीं है। अब हर कोई जाके अगर हेल्थ के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बन जाएगा तो फिर ये जो पीछे केस हुआ है वो उसमें जो हम देख रहे हैं तो कोई तरीका नहीं है, कोई सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है कि कौन जाके काउंसलर बन सकता है, कौन जाके साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। साइकाइट्रिस्ट का है डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट का है क्योंकि वो एमबीबीएस करके जा रहा है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, फ्री फॉर ऑल, कोई उसका सिस्टम ही नहीं। तो मेरा ख्याल है असूली तौर पे तो हैविंग एन अलाइड हेल्थ काउंसिल के बारे में बहस नहीं है। हाँ, अगर कोई कंसर्न्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जैसे आपने फरमाया, वो जरूर सुनने चाहिए। नहीं, मैं एक और बात बता दूं ना, आप लोग हम गांव में जाते हैं या किसी कराची में आप जाएं, सर फुटपाथ पे लोग बैठ के वो दांत ठीक कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज देखिए, हम सब चाहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया क्वैकरी ये खत्म हो जाए, उसको जरूर आप एड्रेस करें, लेकिन ये लोग वे फिर भी रहेंगे जिनको आप कह रहे हैं लेकिन इस वक्त जो इन लोगों की कंसर्न है वो ये है कि अगर सपोज मैं एक इसलिए क्या नॉट प्रोफेशनल है कि मैंने इनको सुना, अगर सपोज एपीसी के बाद मैं जाता हूँ एमबीबीएस के लिए और फिर एक आई की तरफ जाते हैं, फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, पांच साल वो भी गुजारते हैं, पांच साल मैं भी गुजारता हूँ, और कुछ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी कुछ सब्जेक्ट एड जैसे है बीडीएस जैसे बीडीएस और टेस्ट ऑफिस की जो क्लासेस है, जो सब्जेक्ट है, जो प्रोफेसर है वो एड जैसे है। अभी आफ्टर फाइव ईयर्स मैं डिग्री लेता हूँ अंडर द हेवर मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप भी लेते हैं और ये भी लेते हैं, तीनों जब गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर उनको 17 ग्रेड में जॉब देते हैं, अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम पास करके देते हैं या करके जाते हैं, उसके बाद वो आते हैं क्लिनिक की तरफ, फिर क्लिनिक में उसको आप पाबंद बनाते हैं कि आप एमबीबीएस के नीचे आप उसको अंडरस्टिमेट करने की यहाँ कोशिश है कि नहीं है, यहाँ उनकी पाँच साल, अगर वन ईयर से सर्टिफिकेट की या टू ईयर थ्री ईयर्स की डिप्लोमा की, लेकिन पाँच साल जब वो अंडर हेबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करके फिर यहाँ पे मुझे आप दोनों बताएं कि यहाँ पाँच साल उसने गुजार ली और उसने एग्जाम दिया अंडर हेबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद क्या होगा? मैं जवाब दे देता हूँ, बड़ा सिंपल है, इसको आपके सवाल को समझने की भी ज़रूरत है और इसका जवाब नहीं समझा जा सकता जब तक अब हम इसमें फिर गहरी डुबकी ना लगाएं। मैं तो बैठा हूँ, आप लोग भी हैं, अब सबर से हम सारी बात सुनते समझते हैं। देखिए, इट्स नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स, दैट्स नॉट रेलेवेंट, मेडिकल की तालीम, एमबीबीएस की तालीम है उसको ले लें, उसका एक सर्टन पैटर्न और उसके अंदर एक सर्टन कॉन्टेंट है जिसमें एबिलिटी टू डायग्नोज है एंड एबिलिटी टू स्टार्ट विद अ ब्रॉड सेट ऑफ डिफरेंशियल्स। मेरे पास जब मरीज बतौर डॉक्टर आता है ना तो वो कहता है मुझे बुखार है, वो ये नहीं कहता मुझे डेंगू है या फलाना है या मलेरिया, वो बुखार के लिए। सो वो जो स्पेशलिटी एरियाज जो पढ़ाए लिखाए जाते हैं डायग्नोज मैनेज ट्रीट, वो आपने आपके कानून के तहत वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास है मेडिकल केयर के लिए और डेंटिस्ट के पास है डेंटल केयर के लिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जो फिजियोथेरेपी पढ़ के आ रहा है मिसाल के तौर पे उसकी तालीम कोई कम है, लेकिन उसकी तालीम एक डायरेक्शन की है, एक तरीके की है। देयरफॉर उसकी जो प्रैक्टिस की मुहित है, मैंने शुरू में से लिखा था, जो उसकी प्रैक्टिस की डोमेन है डिफाइंड बाय जो वो पढ़ रहा है। मैं 10 साल पीएचडी कर रहा हूँ, दैट डज मीन फिजिक्स, दैट डज नॉट मीन कि मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा। डॉक्टर पीएचडी भी मुझे लोग कहेंगे, कुछ डॉक्टर भी लिख देंगे। अब आजकल देखें उससे हो क्या रहा है, और आपका कंज्यूमर जो है ना, हमारा कंज्यूमर वो बेचारा किस तरह होता है। मैं फिर यही मिसाल देता हूँ, इस कमरे में सब जो लोग बैठे हैं उनको माशाल्लाह बड़ी अच्छी केयर मिल जाती है। आस्क एंड वरी अबाउट जो बाहर बंदा बैठा है। देखें, द अदर डे मेरा अपना कुक, मैं आपको एक्चुअल सर मैं आपको आपका सवाल आप समझ जाएंगे, मेरा कुक जो है, मेरे वालिद का कुक, मैं उस तरफ गया, उसने कहा सर मुझे ये दर्द हो रही थी, मैं ये टेस्ट कराया। अच्छा, मुझे उसने कहा क्या करवा, मैंने कहा सर अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैंने वालिद से कहा इसका जरा अल्ट्रासाउंड करवा देना, मैं देखूँ क्या होता। खैर वो मैं अगले दिन गया अल्ट्रासाउंड हो गया, तो अच्छा मैं देखा तो अल्ट्रासाउंड कुछ देखने से ना जिस तरह से लिखा देखा ठीक नहीं लगा, ऊपर गौर से देखा तो आगे लिखा है H/डॉक्टर फलाना खान। अब वो होम्योपैथिक डॉक्टर, वो डॉक्टर का टाइटल रख के उसने अल्ट्रासाउंड भी कर रहा माशाल्लाह, उस ही हैज नो बैकग्राउंड ट्रेनिंग इन रीडिंग इंटरप्रेटिंग और रिपोर्टिंग एन अल्ट्रासाउंड।
सो देयरफॉर बहुत अहम है सर का मुकम्मल का सपोर्ट, जितना भी अस्सा आप गुजार दें किसी स्पेशलिटी में, हमने जहन में रखना है कि क्या आपकी उस ट्रेनिंग के अंदर डायग्नोसिस, पैथोफिजियोलॉजी एक्सेट्रा उस लेवल और डेप्थ की है या नहीं जिसकी बेसिस पे आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाजत दी जाए। वैसे तो 4 साल नर्स भी पढ़ के आ रही है, सब्जेक्ट तो वही होते हैं, लेकिन एनाटमी जो जनाब ने पढ़ी थी और अगर दूसरी हो ना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या मिनिस्टर साहब, क्या इस बिल के बाद हम इस मुल्क इलीगल लेबोरेटरीज, फुटपाथ पे बैठने वाले दांतों के इलाज करने वाले, इलीगल मंशियात हॉस्पिटल्स, इलीगल लोग जो टाउट के शक्ल में हॉस्पिटल्स में घूम फिर रहे हैं और मरीजों को हाथ से पकड़ करके अपनी उन लेबोरेटरीज में ले जाते हैं जो वहाँ पर कोई है नहीं, जैसे रुबीना ने कहा कि वहाँ सफाई वाले भी ऑपरेशन के साथ कर, क्या हम ये समझते हैं कि इस कौन से बनने के बाद ये लोग खत्म हो जाएंगे? नहीं, हमने सिस्टम को ठीक करना है। और गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि अभी मैं आपको डॉक्टर साहब एक मिसाल देता हूँ, मैं साहब एक प्लीज, मेरे तंगी में इस वक्त 2 हॉस्पिटल है मंशियात के, बड़े बोर्ड लगाए हैं ये मंशियात और नफ्सियात के, रात के वक्त वहां पे उन लोगों को मारते हैं जिन लोगों के पास घरों से पैसे नहीं आते हैं, उनको वो प्रोवाइड करते हैं हेरोइन और आइस। जो मंशियात के नाम से हॉस्पिटल बनाए हैं आजकल वहां उनको पैसे आते हैं, और वो लोग जिन लोगों ने हॉस्पिटल बनाए हैं फॉर द सेक ऑफ रिहैबिलिटेशन, उनको पैसों से वहां उस हॉस्पिटल में आइस और हेरोइन मिलती। तो क्या हम इस काउंसिल के बाद हम समझेंगे कि सब कुछ खत्म? नहीं, मैं समझता हूं कि इन जो 5-10 लाख लोग हैं जिन लोगों ने 5-5 साल, और आप समझते हैं कि MBBS ने तो 5 साल गुजारे, तो इन लोगों ने जो 5 साल गुजार के क्लिनिक बनाते हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या वो मेरा अल्ट्रासाउंड करेगा या मुझे वो मेडिसिन लिख के देगा? नहीं, वो अपने ही स्पेशलिटी में मेरा इलाज करेगा। जिसने 5 साल गुजारे हैं, डॉक्टर से पढ़ के डिग्री ली है, तो डॉक्टर साहब मैं अभी ये चीज पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। ओ PTI की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, किसी की भी, हमारे मुल्क का बदकिस्मत ये है कि हम अगर टाउट्स के बगैर हमारा मुल्क नहीं चलते कोई भी प्रोफेशन। जी अच्छा, सर इस तरह है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं कि क्या ये चीज खत्म हो जाएगी इस एक्ट के बाद? प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, लेकिन अब आपके पास एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि जब कोई केस किसी कोर्ट में जाता है तो यू विल नाउ हैव अ मिनिमम स्टैंडर्ड जो आप बता सकोगे। तो क्या इस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है जो कि मेरे चंगी के हॉस्पिटल के सामने जितने मेडिसिन शॉप्स है उसमें 10 नंबर दवाई मिलती है? क्या इस वक्त कानून नहीं है? क्या इस वक्त जिम्मेदार नहीं है? आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, अगर हम ये आर्गुमेंट या लॉजिक करें तो बात यह है कि कानून तो कत्ल का भी मौजूद है, लेकिन कत्ल होते हैं, दैट डजंट मीन कि कत्ल का कानून जो है वो बेकार है। नहीं नहीं नहीं, इंप्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, उसी जगह 100% जो आप बात फरमा रहे हैं मैं उसी जगह पे आ रहा हूं कि कानून की एग्जिस्टेंस अकेले से उस चीज को यूं करके खत्म नहीं करेगी। 100% एग्री विद यू, 100% एग्री। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब एक फ्रेमवर्क, एक कानून या एक मियार आप डिस्टर्बिंग कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि वो जो 5 साल पढ़ के आ रहा है या 4 साल जो भी उसका ड्यूरेशन है, जब वो प्रॉपर तैयारी करके आ रहा है, डिग्री लेके आ रहा है और अपने वो डोमेन के अंदर प्रैक्टिस करता है, तो कानून भी उसको प्रोटेक्शन देता है और वो लीगल हो जाता है। आज सर सिचुएशन पता क्या है, आज एज इट स्टैंड्स सिचुएशन ये है कि वो जो पढ़ लिख के आया है बेचारा गरीब, वो भी किसी फ्रेमवर्क के नीचे प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है, और उसकी वजह ये। और क्यों डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, नर्स को क्यों आप उसकी काउंसिल बनाते हो? वरना तो वहां भी कहता था कि आपने डिग्री कर ली है तो आज आप कहते हो कि आपने एक मियार डिटरमिन कर लिया। तो हम चाहते हैं कि ये जो 25-26 स्पेशलिटीज हैं और फ्यूचर में और आएंगी, इनका मियार डिटरमिन हो। मजा आपसे कहता हूँ, फिजियोथेरेपी से एक सेकंड हट जाए क्योंकि वो बड़ा इमोटिव टॉपिक बन जाता है, उस पर आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी चूंकि दुकान खोल के बैठे हुए अलग, तो उनको ये फिक्र पड़ गई कि हमें दुकान नहीं नहीं सर, दुकान डॉक्टर नहीं दुकान खोल के बैठे हैं,
सर बात यह है कि एक बंदा बायोप्सी होती है, रिपोर्ट जाती है, उसने पैथोलॉजिस्ट ने तो फाइनल रिपोर्ट पढ़नी है, उसने स्पेसिमेन देखना है, उसने डायग्नोसिस देना है कैंसर है नहीं है जो भी है, ठीक। लेकिन वो जो सारा उसको प्रोसेस करना है वो भी एक मेन आई और हैंड आई होती है। बात यह सर कि हम ये तो नहीं कह सकते कि जो आए आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं, 2 साल पढ़ के आ जाए 10 साल पढ़ के आ जाए बस एक ही बात है। हमने एक मेयर डिटरमिन करना है कि आपका हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन या मेरा हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन को प्रोसेस करने वाला शख्स है यार, उसने ये 4 चीजें तो पढ़ी हो, ये ट्रेनिंग तो की हो कम से कम। दिस काउंसिल इज ओनली गुड टू डू दैट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसका मकसद इज नॉट टू टेक अवे द रोजगार और द एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ऑफ दोज पीपल जो वो सर्विस दे रहे हैं। हजारों लोग हैं, पता नहीं लाखों हैं या नहीं, लेकिन हजारों तो डेफिनेटली हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इन सारी स्पेशलिटीज में हैं, और इनको कहने तो लाखों हैं जो काम भी कर रहे हैं और उनका मेयार भी कवर्ड नहीं है। आज भी जो है वो मतलब बेसिकली आपने उसकी रेगुलेटरी प्रॉब्लम, आज भी आप चले जाए हर गांव में जो बाहर सबर्ब्स में कंपाउंडर है जो डॉक्टर बन के बैठे हो, आज तक पीएमसी ने उनके लिए चला। सो मैडम नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ ना, मैं एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे आपने कहा कि आपका जो कुक है और उसने अब वो अल्ट्रासाउंड कर किसी को भेजा आपने कि वो क्यों वहाँ पे बैठ के प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर एंड फूलिंग पीपल बेसिकली, तो ये तो पूरे पाकिस्तान में पीएमसी के होते हुए हो रहा है। मैडम दो बातें, पीएमसी कुछ रेगुलेट नहीं कर सकता एकरी को। आपकी बात ठीक है लेकिन हम एक गलत एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, हमें इसको जरा समझने की जरूरत है। रेगुलेटर कहता है भाई ये अप्रूव्ड लिस्ट है, ये गैर अप्रूव्ड लिस्ट है। पीएमसी या फेडरल रेगुलेटर जो है वो जाकर लाहौर में या तानलेवाला में या बदीन में जाके वो छापा नहीं डालता, ना ही उसकी एक्सपेक्टेशन है। वो दस दराजी का हक कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है। एक शख्स शिकायत करता है कि भाई ये इस लिस्ट में नहीं है, आप इसके ऊपर एक्शन करें। तो अगर एक होम्योपैथ मिसाल के तौर पे या अनट्रेन बंदा जो है वो कर रहा है, तो पीएमसी तो ये कहता है भाई ये हमारी लिस्ट में है, ये इनको इजाजत है ऑपरेट करने की या ट्रीट करने की। डॉक्टर साहब आपकी मैं बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। मतलब आप जितने रेगुलेशंस बना रहे मतलब इसमें आपने हमने आज तक कोई अवेयरनेस नहीं पैदा की लोगों में कि डॉक्टर क्या होता है। LHVs जो है वो भी डॉक्टर्स बन के वो पूरे गायनेकोलॉजी के अस्पताल चला रही है, ये नहीं एक आध केस करती है, वो पूरे पूरे मेटरनिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं। अगला बिल है, किसने रोका? ही इज मॉनिटर्ड, दैट इज द बिल। दैट्स द होल पॉइंट। सो दैट्स द होल पॉइंट ना। हैव यू रेड टुडेस डॉन जो फेक रिपोर्ट्स आए कोविड की? Let's discuss this. We'll come to fake reports too. But the fact is this. No, I don't dodge questions, madam. आपको पता है, I'm here till the cows come home. मैं बैठा हूँ, सुबह तक बैठा हूँ. आप ना फिकर करें. And I'm able to answer your questions. Let's not have any insinuation there. लेकिन मसला ये है कि आप let's come here ना. आपको genuine report चाहिए ना? Doctor साहब, ठीक है ना? तो वो कौन वो ऊपर से उतर के तो नहीं लिखेगा? क्वालिफाइड लोग लिखेंगे। हम कह रहे हैं भाई आपके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है टू एंश्योर दैट देयर इज अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड पीपल हु कैन बी टेकन। अच्छा एक और बात, एक चीज याद रखिए, तंगी साहब का जो एक क्वेश्चन था ना उसका मैं बता देता हूँ। अगर आप पेज नंबर 6 पे जो इसका आर्टिकल 4 क्लॉज 2 है उसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि ऑल एक्शंस ऑफ द काउंसिल शैल बी टेकन इन अकॉर्डेंस पेज 6 का जी नंबर 2 जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? उसमें लिखा है ऑल एक्शंस ऑफ द काउंसिल शैल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द काउंसिल शैल एक्सप्लिसिटली डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इन ईच कैटेगरी और डिसिप्लिन। द काउंसिल विल एंश्योर दैट द राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स
may not be given to any allied health professionals because it is not their job, and ensure that the authorization to use any medical device will be explicitly defined and limited to the scope of the category. That means वो उनको काम करने से रोक नहीं रहे, वो उनको कह रहे कि आप अपना काम इस डिफाइन कैसे करोगे? किसी को जो let's say जो आप कह रहे हो, मैं स्पेसिफिकली आ रहा हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, वो अपना इंडिपेंडेंट काम अपने दायरे के अख्तियार के अंदर कर सकते हैं. नोबडी स्टॉपिंग देम, नोबडी इज स्टॉपिंग देम. आई हैव चेक्ड इट. मैं एक मिनट आपको अभी जगह पर टाइम देता हूं. बट यू हैव टू स्पीक. देयर इज नो बट. नहीं नहीं आप कहे ना, लेकिन अपने अख्तियार नो बट्स, नो बट्स, नो बट्स, no buts, there are no ifs and buts. ऐसे एक बात है कि देखिए मैं बताता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं सब स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, ठीक है. लेकिन अगर आज मैं कहूँ यार मैंने जाके लेप्रोटॉमी करनी है या न्यूरोसर्जरी करनी है, आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब अपना दिमाग का इलाज कराओ, क्या करें? ठीक. सो मुझे भी बावजूद MBBS होने के, दो अमेरिकन बोर्ड होने के, मैंने अपने दायरे अख्तियार में काम करना. मैं आज इस स्टेज पे जाके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी करना शुरू कर दूं, आप कहोगे यार इसको पकड़ो. So even having an MBBS and two postgraduate degrees and X number of years, I still have to maintain my domain. Chairman, sir, I request the three persons. Sir, here, man. Categories. Oh, two moment. सुने हम. ठीक है, दो मिनट पहले आप बोले बोले. एक मिनट है पहले जाम साहब को कर लेंगे तो काफी देर से. आप बोले. अगर ठीक है, चलें ठीक है. वो तंगी साहब के उसमें हम में. मेरा बेसिक सा सवाल है. जी सर. ये नहीं है. एक्चुअली क्या है, हमारे पास कानून तो बन जाते हैं. कानून है भी सही, लेकिन क्विक रिकॉर्ड नहीं रोक सके. पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज इतनी खुली है कि आपके पास पैथोलॉजिस्ट नहीं. मैं आपसे क्योंकि आप मेडिकल कानून है, अभी तक हम रोक नहीं सके. अगर ये कानून हम ला रहे हैं तो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करें ना, कि पैथोलॉजिस्ट हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो जितनी लेबोरेटरी खुलेगी तो पैथोलॉजी. जान साहब, आपकी बात से 1% भी कोई डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक एक्यूरेट पिक्चर हमें दिखा दी और ये दुरुस्त है. अब बात ये, आप कानून बनाते हो, आप कहते हो यार ये कानून है, ये लेबोरेटरी होने की रिक्वायरमेंट है. अच्छा, उसको एनफोर्स करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए ये पंजाब से काम शुरू हुआ 10-12 साल पहले, लेकिन फिर एक्सपैंड हुआ. ये हेल्थ केयर कमीशन बना. उनका काम था हेल्थ केयर की जो डिलीवर करने वाली एंटिटीज हैं, अस्पताल, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज, उनको रेगुलेट किया. हेल्थ केयर कमीशन ये जजेस की मार्फत बनी है? नहीं सर, नहीं 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 तो कोई जब शिकायत करेगा या वो खुद भी उसका नोटिस ले सकते हैं, वो उसको नोटिस भी करेंगे, उसको बंद भी करेंगे, और अगर वो जबरदस्ती खोलता है तो फिर पुलिस या एक गिरफ्त का भी मामला आ जाएगा. ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है. वो सेंटर अपना टंगी साहब ने शुरू में ही कह दी बात कि जितने मर्जी कानून बना लो, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी. इससे कोई इख्तलाफ है ही नहीं. हम सिर्फ ये कह रहे हैं सर, ये एक स्टेप है. इस स्टेप के जरिए जो प्रॉपरली क्वालिफाइड लोग हैं, कम से कम उनकी एक लिस्ट सामने आ जाएगी. अवाम नास के पास एक तरीका है चेक. अच्छा, आज आपके पास तरीका है, आप चेक करना चाहें कि यार ये फैसल सुल्तान बड़ा बोल रहा, चेक करें इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी क्या, तो आप चेक कर सकते हो कि मैं MBBS हूँ. आप EMC की साइड पर, आपको कम से कम ये तसल्ली होगी यार इसने 5 साल MBBS तो पढ़ा. लेकिन अगर आज मैं ये चेक करने की कोशिश करूँ इन सारी स्पेशलिटीज का, तो आप यकीन करें कोई तरीका नहीं, कोई कोई दरवाजा नहीं है जहां मैं खटखटा के पूछ सकूं कि ये बंदा जो है इस चीज का है. ये सेल्फ प्रोक्लेम है, और ये नहीं कि झूठे हैं, कई बेचारे सच्चे हैं, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं, कई कई साल की तालीम लेके आए हैं, बट दे स्टिल डोंट हैव द लीगल कवर. तो मेरी अर्थ इतनी है कि सुन लें, जरूर सुने उनकी बात को, लेकिन अगर हम इस काम को बना दें तो कम अज कम हम एक कदम क्लोजर होंगे टू क्राइम कंट्रोल. जादू तौर पर नहीं होगा सर, बिल्कुल आपकी बात. उनको टाइम दे दीजिए. अच्छा,
करीम साहब के बाद फिर हम इनको सुनेंगे, तो प्लीज बाकी सेनेटर से गुजारिश है कि अगला सवाल ना करें, वरना मुझे मजबूरन आपको यस करना पड़ेगा। मेरा मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन है, मतलब कानून भी है, इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे उसमें मिनिस्ट्री में या मुल्क में या डिपार्टमेंट में। आप जब आए थे मैंने आपको एक लिस्ट दिया था कि ये 16 बंदे जो है गैर कानूनी तौर पर जो जूनियर हैं, कोई जो है उस स्पेशलिटी से ताल्लुक नहीं रखता। आपने वादा किया था इस फोरम पे कि मैं आऊँगा, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इनको सही एडजस्ट कर लूँगा, वापस इसको चेक कर लूँगा। अभी आपको कितना अर्सा हुआ है, हम लोगों का दूसरा टेनओवर चल रहा है, चौथा साल इस कमेटी में, लेकिन उस पे जो एक चीज़ आपके सामने और गैर कानूनी हुआ है उस पे आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? क्योंकि आपने बीच में सवाल पूछा, देखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ से रिफर हो रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट्स हैं, एक बंदे के साथ तीन तीन चार हैं, कोई स्पेशलिटी से ताल्लुक नहीं रख रहा, कोई उससे फलाना नहीं। उसमें ज्यादातर चीजें एड्रेस हो चुकी हैं, नहीं हुई कुछ भी नहीं हुई। आपके ड्रेप से था पूरा, हमने जो लेटर प्रोवाइड किया था, बिल्कुल आपको अगर नहीं आया तो हम आपको फिर दे दें। मैंने आप ना दे, और मेरी बदतमीजी होगी कि मैं कहूँ आप दे दें, आपने दिया हुआ है, मैं उसको निकाल के आपको इसको ये कब आपको आपकी एक रिक्वेस्ट है। आफत अब्दुल करीम साहब को पढ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको फोन किया, ख्वाजा साहब ने याद दिलाया। तीन बंदे आप बताएं, लेकिन किस उससे नंबर वन बता रहे हैं, किस अच्छा आप अपना तारुफ बताएं और आप बताएं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और किस सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हैं, ताकि हम एक ही सब्जेक्ट को रिपीट ना करें। नहीं नहीं, एक एक सब्जेक्ट से एक नहीं, तीन बातें आप बोलिए जी। एक मिनट, आप एक काम करें, आप उधर माइक के पास आ जाए, आगे उधर चेयर पे माइक पे सजा के ऑन कर लें, ताकि आप सुन सकें। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज खामोश हो जाइए, पीछे जो बैठे हैं प्लीज बातें ना करें, ठीक है? नहीं नहीं, उसको मैं माइक पे ले आया हूँ। Is he the person who's heading that? No, he is going to speak on the request of Tangi Saab, Senator Saab. ये जो है जिसको ये represent कर रहे हैं, ये head है। ये अभी बताने वाले हैं। जी, बोलिए सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम अहमद खान है, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी से, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑप्टोमेट्रिक सोसाइटी, आई एम सेंट्रल प्रेसिडेंट। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्टर साहब को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, अभी तक ऑप्टोमेट्री जो थी वो अनरेगुलेटेड थी, ठीक है? सर ने जितने भी बातें की वो बहुत बढ़िया हैं, बहुत ठीक हैं। मैं अपने वालिद साहब को कहता हूँ कि हमारा अपना घर नहीं है, मुझे अपना घर बना के दें, ठीक है? वालिद साहब बना रहे हैं घर, लेकिन उसमें मटीरियल जो है वो ठीक नहीं है। सर, आपने एक बात अर्ज की कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ड्रग्स की इजाज़त नहीं है, ठीक है? मेडिकल डिवाइसेज इक्विपमेंट की इजाज़त नहीं है, ठीक है? लेकिन सर, आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को डिफाइन तो करें। सर, पाकिस्तान में अगर आप हर फील्ड को अलाइड में डाल देंगे तो क्या ये जाती नहीं है? आपने सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब विदेश में टाइम गुजारा है, उनका अपना फेडरल कोड ये स्टेट करता है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल मीन्स अ हेल्थ प्रोफेशनल अदर देन अ रजिस्टर्ड नर्स और फिजिकल फिजिशियन असिस्टेंट हु हैज नॉट रिसीव अ डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री। पूरी दुनिया में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री है, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री है, यूएसए में बोर्ड्स ऑफ ऑप्टोमेट्रीज हैं, ठीक है सर, और ऑप्टोमेट्री काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हर ममालिक में ऑप्टोमेट्री की अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं दवाइयाँ लिखता, मैंने नहीं लिखी दवाइयाँ, लेकिन मुझे रेगुलेट तो सही तरीके से। मायोपिया का बर्डन 2050 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 2050 में मायोपिया का बर्डन, हम कन्विंस्ड हैं। आपने अभी तक बड़ी फोकस बात की है ताकि उसका हम जवाब दे सकें। डोंट मीएंडर, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, आई वांट टू बी एबल टू आंसर इट, राइट?
सो लेट मी एड्रेस द की क्वेश्चन दैट यू हैव पुट अप है जी सर. आप ये कह रहे हो कि इस एक्ट के अंदर ऑप्टोमेट्री को प्रॉपरली रेगुलेट करने की ज्यादा मिट्टी नहीं है, है? बताएं वो क्या होनी चाहिए. नंबर वन सर, अगर आपने ये कह दिया कि हर कैटेगरी स्पेसिफिक एडवाइजरी कमिटीज बन जाएंगी, तो फिर सर इस चीज़ को इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत है कि आप ड्रग्स नहीं लिख सकते, मेडिकल डिवाइसेस नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लिख सकते. मेरे पास ऑलरेडी डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री की डिग्री है, हायर एजुकेशन कमीशन ने इसको वेरीफाई किया हुआ है. ठीक है सर, मतलब एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ, आपने यूएस की मिसाल ली, फिर यूएस की मिसाल भी ले लें. यूएस में यू कांट प्रिस्क्राइब, यू कांट प्रिस्क्राइब इन द यूएस, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहता सर. अच्छा, सो देखिए बात ये है, वी आर ओनली ट्राइंग टू लिमिट एवरीबॉडी टू देयर डोमेन ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है. अच्छा, एंड एक और आपको बता दूं, कुछ जगहों में कन्वेंशन होती है, बहुत सी जगहों में जब आप डॉक्टर लिखते हैं तो चूंकि अवामनास उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं होती, दे अज्यूम अ सर्टन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अक्रॉस द बोर्ड विच यू मे और मे नॉट हैव. ठीक, सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सही झंडा पहनने की जरूरत है. ठीक, आप अगर डॉक्टर लिखेंगे तो आपके पास आने वाला हो सकता है आप गले खराब भी आपसे करवाए और पेट खराब भी करवाए, और हो सकता है कि वो चीज़ हो जो आपको डील करने की ट्रेनिंग या बैकग्राउंड नहीं. Therefore, it is crucially important कि आप अपनी डोमेन में प्रैक्टिस करें. बस इतनी सी बात है, वो लिखी भी है उसमें. नहीं सर, प्लीज. नो, बट इफ दे राइट डॉक्टर ऑफ ऑप्टी व्हाटएवर, मैम, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस. ऑप्टोमेट्री. मैडम आगे चलते हैं. ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है, ठीक है, क्या करता है वो, क्या करता है टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है. ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है एसेंशियली इन द मोस्ट क्रूड वर्ड, अब आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून है, सेनेटर है इस मुल्क की, और लीगल आपकी भी यू नो बैकग्राउंड अटेंडिंग. अगर आपको और मुझे भी ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ रही है तो थिंक के द आउटसाइड पर्सन डज गेट कंफ्यूज. ऑप्टोमेट्रिस्ट फंडामेंटली जो आपकी रिफ्लेक्शन एरर्स हैं, जो आपकी वो हैं, वो उसको डिटरमिन भी करता है. और मैं ये साफ आपको कहता हूँ, जितनी सुथरी नहीं ऑप्टिशन नहीं ऑप्टिशन मैडम, जितनी ये भी बता दूँ, जितने सुथरी रिफ्लेक्शन ये लोग करते हैं, ऑप्टोमोलॉजिस्ट नहीं करते क्योंकि वो और चीज़ों में बिजी भी होते. सो इसलिए अपना काम, तो देर इज नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब फॉर यू टू प्रैक्टिस. हाउएवर व्हेन यू राइट डॉक्टर देन यू रन इनटू द प्रॉब्लम जो मेरे खानदान के साथ हुआ, वो होम्योपैथ से अल्ट्रासाउंड करा रहा है. सो देयरफॉर दुनिया जहां में, इवन इन द यूएस जहां की आप बात कर रहे हो, आपकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं फिल होती जो मर्जी आप कर रहे हैं, अगर आपके नाम के आगे MD या DO नहीं लिखते. अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट को या फार्मासिस्ट को ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि डॉक्टर अहमद खान PT, डॉक्टर अहमद खान PharmD, MD, ठीक है, तो सर व्हाई नॉट ऑप्टोमेट्री. नहीं तो फिर सब पे लगेगा, सब पे देखिए, लेकिन काउंसिल में तो सर ये चीज देखिए ना, ये जो आप चीजें बता रहे हैं क्यों नहीं क्या नहीं, ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है जो कि आपकी एडवाइजरी कमेटी काउंसिल को देगी, ये एक्ट में नहीं आता. ये वो एडवाइजरी कमेटी बताएगी काउंसिल को कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एडवाइजरी कमेटी आप ही में से लोग कोई होंगे. सर ये दो बातें कर रहे हैं, एडवाइजरी कमेटी से बाहर वो उनकी लिस्ट हमारे पास है, सर इसमें ऐड कर देंगे और ये ऐड कर देंगे. वो सर जो चीज कमेटी जो है वो ब्लैक है, आप क्यों उसको ऐड कर रहे हैं? ये देखिए, ये लिस्ट सारी जो जो प्रोफेशन जो है अमेरिका में इलाइट में आते हैं वो सारे इधर है. इसमें आप कोई जो है मुझे ऑप्टोमेट्री दिखाए, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऑप्टोमेट्री हर स्टेट में, मैडम हर स्टेट में कानून और सिलसिला जो है वो फर्क.
ठीक है, देखिए बात यह है कि हम देखिए हम डिटेल में वो नहीं करना चाहते, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका जो 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 एड्रेस है ये सवाल है कि इसको ऐड करना या नहीं करना, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज द प्रेरोगेटिव, वी आर नॉट इन यूएस, लेट मी पुट इट लाइक दिस, वी आर नॉट इन यूएस, वी हैव टू मेक आवर ओन लॉज, वी डोंट हैव टू फॉलो एनीबॉडीज लॉ, नंबर 1, नंबर 2, होल्ड ऑन, नंबर 2, as far as the details of that speciality is concerned, it is the advisory committee which is actually your representation. They will advise the council what to include, what to exclude, what to do, education, minimum standard and everything. वो डिसाइड करेगी सर, उसमें वो दो बातें एडवाइजरी कमेटी के सुपर नहीं है सर, कौन सी, ये एक प्रीफिक्स डॉक्टर, दूसरा यूजर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड ड्रग्स सर, ये देखिए होल्ड ऑन, आपके दो किस्म के ड्रग्स हैं, लेट मी टेल यू दिस, कुछ दिन मेरी इनसे बात हुई थी, इन्होंने मुझे बात बताई थी, एक आप मेडिसिन यूज करते फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, दैट मीन आपने प्यूपल डायलेट करना है, आपने उसके अंदर कोई केमिकल डाल दिया, प्यूपल डायलेट हो गई, आपने चेक किया कि ठीक है या नहीं है, एक आपने करना है आप प्रिस्क्राइब करते मेडिसिन, ये लो खाओ एक गोली सुबह दोपहर शाम, यू डू नॉट हैव द राइट टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन, बट यू हैव द राइट टू यूज अ मेडिसिन फॉर योर डायग्नोस्टिक पर्पसेस इन दैट थिंग। सर मैं अर्ज करूं, ये भी पढ़ के सुना लें सर, पढ़ लें जयंत साहब, द काउंसिल विल एंश्योर दैट द राइट टू प्रिस्क्राइब फॉर सेक्शन 42 मे नॉट बी गिवन टू एनी एएचपी एंड एंश्योर दैट द ऑथराइजेशन टू यूज एनी मेडिकल डिवाइसेस Yes. will be explicitly defined yes. and limited to the scope of work of the category or discipline. आगे सर पढ़ने पर. Full stop. नहीं वो तो इसका three कह रहे हैं. वो कह रहे हैं the council shall ensure that no AHP shall designate himself as doctor for professional purposes. तो ये बिल्कुल ठीक है. Because देखें at the end of the day when you write doctor, मैंने भी आपको मिसाल. सिर्फ doctor नहीं subcommittee doctor. Doctor subcommittee मैं लिखूँगा. मैं doctor एमएल नहीं लिखूँगा. मैं आपको बताऊँ problem क्या है. Doctor of optometry को 80% लोग समझेंगे कि आई स्पेशलिस्ट है। आप डॉक्टर नबील अहमद नहीं लिखेंगे, आप डॉक्टर ऑफ एक्सवाईजी, वो तो फिजिक्स का डॉक्टर भी आपने लिखा है, लोग लिखते हैं तो सर ये क्लॉज हटा दें, ठीक है, ये क्लॉज नहीं, क्लॉज इज अ लिमिटेड क्लॉज, डज नॉट अलाउ यू टू से, ये हमारा पॉइंट है सर कि हम एचपी में ये सारी चीजें एचपी के इक्वल हैं, लेकिन हम एचपी में नहीं आते, अपने ऑटोमेट्री को बार बार एचपी में क्यों डाल रहे हैं सर, इसलिए इन द फेमस वर्ड्स ऑफ माई फ्रेंड नबील अवान, अगर हमने आपकी और उसकी और उसकी और उसकी अलग अलग काउंसलें बुलाई तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 9 मार्केट की एक दुकान भी आपको नहीं मिलेगी काउंसिल के लिए, आपको मैं बताऊं 70 साल से 60 साल से काउंसलें बनी नहीं है, 2-2 लाख लोग उन प्रोफेशन में हैं नर्सिंग और वो, हाउ हार्ड इट इज टू मैनेज दीज काउंसिल देयर अफेयर्स, टू रेगुलेट, टू सस्टेन प्रेशर, मैं छोड़ दें चक्कर को, अनलेस यू हैव अ लार्ज प्रॉपरली पावर्ड गवर्नमेंटल बॉडी आप प्रेशर ही सस्टेन नहीं कर सकेंगे, आपके ऊपर आप लोग वो चढ़ाई करेंगे, आके हर कोई द्वानी का कॉलेज खोलेगा, आके आपके ऊपर धांस लगाएगा कि इसको रिकॉग्नाइज करो, हम ये तमाशा इवन एमबीबीएस में देख चुके हैं यार, और तो किधर दूर जाएं, सर इसको ठीक कर लेंगे सर, तो ठीक हो गया सर, नहीं ठीक है सर, वही दो अब लिमिटेशंस हैं, मैं सेक्रेटरी साहब ने एक वे आउट बताया था, आप क्या कह रहे हैं, नहीं मैडम मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरा नाम नबील है, मैं अगर डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री हूँ, ये जो क्लॉज है इट डज नॉट प्रीक्लूड मी फ्रॉम राइटिंग नबील अहमद डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये क्लॉज जिस चीज से मुझे रोकती है वो ये कि मैं डॉक्टर नबील अहमद नहीं लिख सकता, और क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, नबील अहमद डॉक्टर नबील बेसिकली हम सबका एक हम लोगों का एक इंटरेस्ट है कि वो अनपढ़ इंसान जो के गांव में बैठा हुआ है या वो आदमी जो किसी वजह से आता है उसको समझ नहीं आती व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डॉक्टर एंड अनदर डॉक्टर जिसने पीएचडी या कुछ कर जिससे वो दवाई नहीं ले सकता वो उसके पास चला जाता है और ये बात हम सब मानते हैं कि आप लोग शायद नहीं लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमारे प्रोफेशनल की इंक्लूडिंग डॉक्टर्स ठीक है हम
मिसरिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, हमने आपको प्रोटेक्ट नहीं करना, हमने आपको फैसिलिटेट करना है ताकि आप अपना काम कर सके, हमने उनको प्रोटेक्ट करना है ताकि वो धोखा ना खाए। अब और उसके लिए मुझे 2 फुट आगे जाके आपको 5 फुट पीछे लेकर जाना है, मैं करूंगा, क्योंकि मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है, मैंने आपको सिर्फ फैसिलिटेट करना है। और जैसे नबील साहब ने कहा हुआ है, सेक्रेटरी साहब ने, कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखें, हुमायूं मोमन डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, हुमायूं मोमन डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट, हुमायूं मोमन डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, हुमायूं मोमन वट एवर इट इज, बट यू कैन नॉट एंड वी शुड नॉट अलाउ यू टू राइट डॉक्टर हुमायूं मोमन, आगे पीटी लिख दिया, एटी लिख दिया, सीटी लिख दिया, बिकॉज दैट इज वेयर द कंफ्यूजन विल स्टार्ट। सर की बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ सबके साथ, लेकिन सर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमें कुएं में डाल दें। कोई कुआं नहीं, नहीं सर है कुआं, क्यों नहीं है सर? आप हमें कुएं में ना डालें ना, आप लोगों को समझाएं, आप इसके लिए इश्तिहार चलाएं, ये हो सकता है, ये तो नहीं कि आप जो है ना, अपने आप को तारफ करा के बोलेगी। आपने वो माइक ऑन किए? और मैं आज पाकिस्तान प्राइवेट स्टाफ फेडरेशन के जॉइंट एक्शन कमेटी का मरकजी चेयरमैन हूँ, क्योंकि जैसे ताल्लुक है सर, सबसे पहले मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और मुअज्जज़ तराकी कमेटी और फैसल सुल्तान साहब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने वर्कर के लिए बात करने का मौका दिया। सर कुछ चीज़ें मेरे साथ भेज रहे हैं, मनीष साहब के पास, मनीष साहब के पास मैं भेज रहा हूँ कि जो मिसिंग कैटेगरी चीज़ें एलाइड है प्रोफेशनल में, उसमें उन कैटेगरीज की जो बड़ी कैटेगरीज है और 80% लोग हैं पाकिस्तान में लाखों की तादाद में, वो फार्मेसी टेक्नोलॉजी है, डिस्पेंसर और हेल्थ टेक्नोलॉजी, मैंने दोनों को एक करिकुलम सेमेस्टर वाइज भेजे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ उनमें से जिसने डिग्री की है, जिसने डिप्लोमा किया है, जिसने सर्टिफिकेट किया है, वो भी मेडिकल फैकल्टी से या यूनिवर्सिटी से, वो भी उसमें टच है, वो भी चाहते हैं। मेरा सिर्फ ये दरख्वास्त है कि जो पेज नंबर 2 पे इस बिल में क्लास 2 इन सब क्लास पेज नंबर 2 में तो कोई वो डेफिनेशन है जी, वो डेफिनेशन है, अच्छा वो उनके उसमें ये आपका सर, ये इसमें लिखा है आपके लेटर हेड पे ऑल पाकिस्तान एक्सक्लूड को नहीं होना, जो एमएनए की उसके पर पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन में रिलेटेड है, नहीं ये तो कोर्स हो गया, अमेंडमेंट इन पे दूसरा, नहीं नहीं आप किस चीज के क्रॉस टू बता रहे हैं? अच्छा एनीवे ये मैं आपकी बात में समझ गया हूं सर, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं, जनरल साहब कर रहा हूं सर, वो ये कह रहे हैं कि डिस्पेंसर की कैटेगरी स्केड्यूल में डाली जाए, तो स्केड्यूल में तो किसी वक्त भी डाल सकती है सर, वो तो कानून से अभी क्यों नहीं जिस चीज पे जोर दे रहे, अभी अगर हम इसमें इज और वाज भी चेंज करते हैं ना, तो फिर दोबारा ये जाएगा निश्चित रूप से, ये मसला है, और उनकी कंसर्न ये है कि इसमें ऐड कर ले, अच्छा, तो कैसे ऐड इस शेड्यूल में एडिशन सब्ट्रैक्शन का इख्तियार गवर्नमेंट को इन प्रोविंशियल कैबिनेट है, हम ये अंडरटेक करते हैं कि वंस इट इज प्रोमल्गेटेड एंड इंपैक्टेड तो हम फेडरल कैबिनेट से उसमें इसको ऐड कर देंगे, आपने ये पैराग्राफ लिखा है इस क्लास में क्लास 1 में कि गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन हेल्थ इंस्टीट्यूशन से कोई बंदा जिसने कोर्स किया है और जिसने सर्टिफिकेट दिया है, डिप्लोमा दिया है, डिग्री दिया है, वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का मेंबर बन सकता है। सर मैंने प्रूफ दिया आपको डिग्रियां हैं लोगों के साथ केएमयू की, सर मान ली बात आपकी, ठीक है आराम सर, सर मैं ये इस्तेदा कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ कि आप अगर टाइम नहीं है तो कायमा कमेटी में जो डिसाइड हुआ था कि तरामीम सर हुए थे, आपने फिजियोथेरेपी वालों का कन्विंस किया था कि एसएस को हटाएंगे, ठीक है सर, वो चीज़ें तो इसमें नहीं हुई है,
अगर कायमा कमेटी में एक चीज डिसाइड हो गया तो होने चाहिए थे कि तरमीम हो जाती, लेकिन सर आपने नहीं की। आप बताएं कि जो दोस्त सुन रहे ना उसमें वो भी फ्लेक्सिबल है, वो भी इस चीज के एक रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन इस चीज पे भी थोड़ा सा उनका है कि आपने हमारे पहले वाले नहीं किया, वरना वो भी चाहते और आप भी चाहते और हम भी चाहते कि इसका हल निकले। सर पहले जब स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली में मीटिंग हुई उसके बाद मैंने दो मीटिंग में लोगों के साथ खुद की, इनके 5-6 कंसर्न थे, और वो जो पहले नहीं सर आपने हाईलाइट किया कि ये सेक्शन 4C कहाँ से आया, सेक्शन 4C की गर्जो गायद सर ये थी कि जो इसमें वो जो डिसिप्लिन हैं जिनका बेस 4 साल की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट डिग्री है उनको हम बाकी प्रोग्राम से मुमताज करते हैं, उनकी अपनी एडवाइजरी काउंसिल बने और वो अपने प्रोफेशन को खुद रेगुलेट करें। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, 5 सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठ के इनके प्रोफेशन के वो कवायद जवाबत तय करेंगे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ काउंसिल। ये जो सेक्शन 4.2 आया जिसमें डिवाइसेस को अलाउ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई, ये उन्हीं उसी वीडियो पर उसी गुफ्तगू के नतीजे में आया। अब वो जो आप बता रहे हैं कि जो अगर बातें रह गई हैं तो देखें, नेशनल असेंबली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी दोनों एक जैसे फोरम हैं, वो भी उतना ही मोहतरम है, ये भी उतना ही मोहतरम है। अब अगर आज आपको यहाँ एक्सेस मिली है और आप समझते हैं कि आपकी कोई बात वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो आप आज सुनाएं और फैसला लें। मैं आप लोगों को एक चीज रीअश्योर करता हूँ, ठीक है, और मेरे साथ ये सारे मेंबरान इस चीज के पूरी तरह गवाह होंगे कि अगर किसी चीज पे यहाँ आज मिनिस्टर साहब ने एग्री कर लिया, ठीक है, वी एज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ वी अश्योर यू कि वी विल फाइट फॉर यू, ठीक है, वी विल मेक श्योर कि दैट इज इंक्लूडेड इन इट। एंड मैं बता सकता हूँ, मैं अंधाधुंध एतबार करता हूँ मिनिस्टर साहब के, बिकॉज आई नो हिम फॉर द लास्ट 40-45 ईयर्स, ठीक है, कि वो चीज़ इंक्लूड होगी। ये याद रखिए, ये हेल्थ वो है कि जिसमें आपके साथ बेईमानी नहीं होगी, और जो बंदा बाहर आपके पास आएगा उसके साथ सबसे बड़ी बेईमानी नहीं होगी। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आपको मुझसे परमिशन मांगनी होगी बोलने के लिए, फिर आप बोलेंगे, जिसकी परमिशन है सिर्फ उसको बोले, आप बोल चुके, लेट हिम डू दैट थिंग, ठीक है, वी इसको हमने कोई चूचू को मुरब्बा नहीं बनाना, लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है सर। साहब ने कहा कि मैंने इन लोगों के साथ दो मीटिंग किए उस कायमा कमेटी के बाद, सर वो कायमा कमेटी में फैसला हुआ था कि अब कमेटी वाले और फिजोथेरेपी वाले नाराज थे, तो इनको कहा गया कि इनके साथ बाद में मीटिंग करें, इनको कन्विंस करें, इनकी मीटिंग हुई है, हमारी कोई मीटिंग सिटी साहब के साथ नहीं। सर हम अभी कर रहे हैं सर, हमारे साथ ये कमेटी है, तंगी साहब है, ये सारे सेनेट बैठे, वी विल प्रोटेक्ट यू एज वेल जी। देखिये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लेट्स से ये तो गवर्नमेंट है ना सर, ठीक है, हम आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं, हम हर एक आपको इजाजत दी है। एक और सर, आप तो रहती है फिजियोथेरेपी का, एक सर कह रहे करते फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी के हमें कोई, आप उसको छोड़ देना, आप अपनी बात करें। इसमें दूसरी चीज जो आपने 3 मेंबर रखे हैं हर प्रांत से, जो पैरामेडिक से होंगे या एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से होंगे, सर हम ये चाहते हैं कि जिसका कम अज कम जिस तरह आपकी किसी ने भाई वोटिंग आते थे रेगुलेटर पे ना आप वोटिंग से नहीं लाते, अगर ये चक्कर हो तो स्टेट बैंक, बार बार ये मिसाल दे चुका हूँ, घिस गई है लेकिन दोबारा देता हूँ, स्टेट बैंक के ऊपर फिर नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट भी बैठा हो बोर्ड पे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी रेगुलेटर है, ओगरा पे पेट्रोल पंप वाले लोग बैठे हो, ऐसे नहीं हो सकता, ये रेगुलेटर सर, ये रेगुलेटर है,
ये रेगुलेटर है। यही बात की है, ये इंक्लूड करना है ना, तो हमारे कर दो इसको लिखवा देते हैं बस। वो तंगी साहब को लिखना बाहर गए कॉल सुनने के लिए। Excuse me, please. आप मुझसे इजाजत लेने के लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं, अगर मैंने आपको इजाजत दी तो आप बोलेंगे, अगर मैंने इजाजत नहीं दी तो आप नहीं बोलेंगे, ठीक है सर? सो जस्ट एक मिनट है, ठीक है? लेट मिनिस्टर साहब फिनिश जो वो कर रहे हैं, उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? आपका जो पॉइंट था, आपके साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इनसे बात करके आपको बता दिया कि वो चीज इंक्लूड हो गई है, नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट। जी डॉक्टर फरीद काकर, चेयरमैन पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन। ठीक है सर। अच्छा सर, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हमारे नेशनल असेंबली के जो फोरम था, उनकी असेंबली कमेटी थी, वहाँ पे जाकर अपने रिजर्वेशन दी थी। सर एक मिनट छोड़े इसको, सर ये बाद में बात कर लेना सर। तो वहाँ पे भी हमने अपना डॉक्टर फरीद काकर फिजियोथेरेपिस्ट, चेयरमैन पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन, मिनिस्टर साहब क्षमा की थी, अच्छी खासी दो तीन मीटिंग हो चुकी है सर। ये जब अलाइड हेल्थ काउंसिल आया था तो हमने इस पर रिजर्वेशन जो नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी थी वहाँ पे भी हमने की थी, फिर हमने वहाँ जमा भी करवाई थी। इसमें सर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, तो रेगुलेटरी बॉडी के लिए तो हम खुद 10 साल से मेहनत कर रहे हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 90% फिजियोथेरेपिस्ट जो है उन से बाहर प्रैक्टिस करता है, तो बाहर जाने के लिए उसको वहाँ के लॉज, वहाँ के रूल्स, रेगुलेशन सारे फॉलो करने पड़ते हैं, वहाँ की इक्वलेंसी लेनी पड़ती है, तो उसके लिए पाकिस्तान में एक रेगुलेटरी बॉडी होगी तो ही वहाँ पे उनको इक्वलिटी और उनकी इक्वलेंसी मिल सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं थी, तो पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन की जो होती है, WCPT वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी WHO से है, तो जो हमारी मेंबरशिप थी उसको वो एक्सेप्ट कर रहे थे वहाँ पे, उसके बिहाफ पे हमारे इस वक्त 30,000 से 40,000 फिजियोथेरेपिस्ट अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ से हमें रेमिटेंस, वहाँ से हमें भिजवा रहे हैं। मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं वहाँ गया हूँ लेकिन अभी तक मैंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की वहाँ पर, मेरे पास वहाँ का लाइसेंस है, मिनिस्टर साहब देखा जनरल साहब ने कि आप वहाँ गए हैं तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, मैं डायरेक्टर भी हूँ बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो मैं जब जाऊँगा तो मैं यहाँ से रिजाइन करके जाऊँगा, परमानेंट जाऊँगा। तो हमें एक रेगुलेटरी बॉडी बिल्कुल चाहिए सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हमने एक ड्राफ्ट मूव किया था 2014 में, वो होते होते आ गया था 2018 में, जो फेडरल कैबिनेट उस वक्त की थी वहाँ से अप्रूव हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गवर्नमेंट में वो काउंसिल नहीं बन सका। फिर ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने 21 डिसिप्लिन या 25 डिसिप्लिन की काउंसिल इन्होंने शुरू कर दी, और इसका ड्राफ्ट बरकी साहब ने बनाया या मिनिस्टर साहब ने बनाया। इसमें दुनिया जहाँ में जहाँ भी होता है, आपके लिए अगर कोई घर बनता है या आपके लिए कोई काउंसिल बनती है, कोई स्पेशलिटी किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उस प्रोफेशन के लोगों को बुलाया जाता है, उनसे राय ली जाती है कि आप पूरी दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड होता है पूरी दुनिया में। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्टोमेट्रिस्ट या वो ये सारे मेरे भाई हैं, ये ज़्यादातर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे मैंने कहा हमारे 90% थेरेपिस्ट मुल्क से बाहर प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ जाने के लिए हमें वो स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है। इन्होंने ड्राफ्ट एक बंद कमरे में बैठ के खुद ही बनाया, मुझे ये मिनिस्टर साहब बैठे हैं मुझे बताएं कि इन्होंने हमसे एक मिनट के लिए भी कंसल्ट किया हो, पूरे पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन से कोई कंसल्टेशन नहीं, इन्होंने खुद बनाई सर। मुझे 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 बोलने दे सर, क्योंकि बीच में इंटरप्शन हो जाएगी। काकर साहब एक मिनट देखिए,
कुछ अख्तियारात मेरे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप मुझे ये बात बताएं कि इस में आपके तहफ्फुज़ात किस लिहाज से, किसने ड्रॉप किए, किसने किया, उससे आप छोड़ के आप मुझे ये बात बताएं करें। नंबर वन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एज अ पाकिस्तानी लॉ मेकर आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ से लोग बाहर जाते और काम करते हैं, जिसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मुझे ब्रेन ड्रेन से ज्यादा मुझे ब्रेन वेस्ट की फिक्र है। जो पाकिस्तान में ब्रेन है वो वेस्ट हो रहा है, मैं उस ब्रेन को वेस्ट नहीं होने देना चाहता। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो जाके कई सर्विसेज दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विल हेल्प यू आउट। आप मुझे बता दें इसमें ऐसी कौन सी चीजें जो आपके सर एक मिनट है ना, ऐसी कौन सी चीजें जो वहां जाने से आपको रोक रही है? अच्छा, इसमें सर दो चीज़ें होती हैं सर, क्लिनिकल से हम आते हैं और बाकी जो हमारे एकेडमिक्स हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो ये हमारी पूरी नहीं होती थी, हम खुद HSC में गए कि हमारे करिकुलम को अपडेट कर दें एज इक्वल टू अमेरिका, एज इक्वल टू कैनेडा, एज इक्वल टू जो बाहर है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में लोग एडमिशन इसी ले लेते हैं। मैं खुद MBBS में था, मैं छोड़ के वहाँ गया था कि मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करूँगा, मुझे वहाँ रहना है या कुछ भी। लेकिन इन्होंने जब ये ड्राफ्ट बनाया उसमें सबसे पहले सबसे टॉप पे आपने ये लिखा है कि फिजिकल थेरेपिस्ट इज नॉट अलाउड फॉर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस विद इन द कंट्री। किधर लिखा है सर? अब आपने पढ़ा नहीं तो उसमें क्या क्या सर कहीं लिखा हुआ है? सर इसमें सबसे टॉप पर है नंबर जी जी बिल्कुल बताता हूँ नंबर सेक्शन 1 सब सेक्शन B1 क्लॉज ए पाकिस्तान अलाइड हेल्थ काउंसिल। अच्छा ये डेफिनेशंस में जा रहे हैं, डेफिनेशंस नंबर 2 में जा रहा हूँ, इसमें बताएं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और अलाइड AHP मींस अ पर्सन हु असिस्ट and providing services for the diagnostic, therapeutic, preventive, curative, rehabilitative field in the healthcare and has undergone a prescribed course of training in a recognized institute in, and is registered as an allied health professional by the council in a discipline as specified in the schedule. सर मैं आपको असिस्ट ही कर रहा हूँ ना, तो आप मुझे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की तो मुझे आप परमिशन नहीं दे रहे सर। सर जी एक मिनट आजा, एक मिनट आजा। फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस इज द डेफिनेशन। अब आपको जाएं पेज नंबर, आप चले जाएं पेज नंबर 6 नंबर 2 ठीक है सर। पुरानी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सॉरी मैम। हां मैं बता रहा हूं, इस मुलाकात के बारे में सर कुछ नहीं ना। मैं आगे जा रहा हूं सर, पे जाए 2 पे लिखा हुआ है, 2 पे जाए ना, उस पे लिखा हुआ है सर। एक मिनट है, देखिए तंगी साहब आप जो बताना चाह रहे हैं आप उसे सुन लीजिए। वो आपको कहते हैं कि ऑल एक्शंस ऑफ द काउंसिल शैल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द ईच कैटेगरी with accordance with the provision of this act and council shall explicitly define the scope of practice in each category or discipline. The council will ensure that the right to prescribe drugs may not be given to any AHP and ensure that the authorization to use any medical devices will be explicitly defined and limited to the scope of work of the category or discipline. That means आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, आप इंटर आर्टिकुलर इंजेक्शन नहीं दे सकते हो, मैं दे भी नहीं रहा सर। और आप अगर जो कोई दे रहा है आप यूज कर सकते हो सर, मेरी कल भी आपसे इस चीज पे बात हुई थी, अगर कोई दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, मुझे अपने लिमिटेड स्कोप में जो WHO ने स्पेसिफाई किया अलाउड है काम करना, WHO ने जो स्पेसिफाई की मेरे डेफिनेशन, आप उसको छोड़ देना। आप बता दें, आपने अभी एक स्टेटमेंट दी है सर, आपने इस फोरम में, काकड़ साहब आपने इस फोरम में एक स्टेटमेंट दी है कि इस एक्ट के तहत आपको मना किया गया है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मुझे वो क्लॉज बताएं। हाँ जी प्लीज मिनिस्टर साहब, इतनी देर में वो क्लॉज ढूंढ रहे हैं, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं। देखिए एक चीज को आप मिस कर रहे हैं, इसको प्लीज गौर से सुनिए, और ये कोई वो नहीं है, एडवर्सेरियल नहीं है, मैं तो आई वांट इट शुड बी फैसिलिटेटेड एंड सॉर्टेड। हम भी उठ के जाना चाहते हैं सेनेटर साहिबान के पास भी 100 और काम। देखिए जो हम प्रपोज कर रहे हैं ना यहाँ, वो एक ओवरआर्चिंग काउंसिल है। आप जिस चीज के बारे में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं ना, वो इट इज द कमिटी द एडवाइजरी अंडरनीथ इट, उसमें वो सारी इनपुट्स ऑफ प्रोफेशनल मिनिमम्स
क्या पढ़ना, क्या करना, क्या, ये सारी चीजें सर उसके अंदर आनी है। हम एक ओवर आर्चिंग बॉडी इसलिए बना रहे हैं, मैं फिर आपको अर्ज कर दूं, आपने अभी ये देखा ही है साइड से, लेकिन उससे ही सीख लें, किसी और के एक्सपीरियंस इंसान सीख लेता है। अगर हम मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो MBBS हैं, BDS हैं, PNC, वो तमाम काउंसिल्स सेपरेटली या स्टैंड अलोन काउंसिल्स रन करना इंतहाई मुश्किल काम है, वो काउंसिल्स कैप्चर हो जाती है। सर मैं क्वेश्चन कर सकता हूं कि क्यों सर वो क्यों इंडिपेंडेंट काउंसिल, अगर आप फार्मेसिस्ट को दे सकते हैं इंडिपेंडेंट काउंसिल, अगर आप ले सकते हैं अपने MBBS के लिए इंडिपेंडेंट काउंसिल, अगर नर्सिंग ले सकती है इंडिपेंडेंट काउंसिल, अगर साइकेट्रिस्ट ले सकते हैं, तो मुझे आप क्यों नहीं दे सकते। पहली बात यह है कि जो मेरी काउंसिल है, मैं उस साल पैदा हुआ था तो मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है, 62 तक बनी हुई। लेकिन जो चीज जहन में रखने की है वो ये कि सर जो चीज़ें बन गई हैं उससे इंसान कुछ लेसन भी तो हासिल करता है। अब आज हमें कोई नुकसान नहीं है एज फिजियोथेरेपिस्ट, लेट्स टॉक एज प्रोफेशनल्स ना, आप प्रॉपरली ट्रेन फिजिकल, हमें ना कोई नुकसान है ना थ्रेट है, बल्कि गेन है फ्रॉम फॉर्मिंग अ काउंसिल। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर आज अपनी सेपरेट काउंसिल फॉर्म कर भी लेंगे तो आप कैप्चर हो जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूँ क्यों आप कैप्चर होंगे, उसकी वजह यह है दैट अगर MBBS के मेडिकल कॉलेज बनाना हार्ड वर्क मुसीबत है ना, साथ अस्पताल चाहिए होता ही हो, अगर इतनी हाई रिक्वायरमेंट के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में मशरूमिंग हुई और उन्होंने आके जिसने उनके ऊपर रेगुलेट करना था वो उसी के मालिक खुद बन गए, आपके साथ ये 10 गुना ज़्यादा होगा। सो प्लीज़ आपके प्रोफेशन की इंट्रोड्यूस करा ले अपने आप को। मेरा नाम एहसान जावेद है, मैं HEC PhD स्कॉलर हूं, एसोसिएट प्रोफेसर हूं फिजियोथेरेपी का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मिनिस्टर साहब ने इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो कहा कि ये हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लुकिंग एट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो सर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यही हैं कि अमेरिकन फिजियोथेरेपी बोर्ड अलहदा है, कैनेडियन फिजियोथेरेपी अलायंस अलहदा है, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी बोर्ड अलहदा है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस वो क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा किया गया कि हमारी एजुकेशन जो है ये सनद हो जाएगी, नहीं तो बात बुक करके आगे चले जाएंगे। अच्छा दूसरा कहा गया कि इनकी एजुकेशन जो है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं कि ये डिफरेंशिएट कर सकें। सर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, हम हमारे पास अगर एक पेशेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के साथ आता है तो हमें सिस्टेमिक कॉजेज रूल आउट करना आती हैं, हम एविडेंस बेस्ड बच्चों को पढ़ाते हैं, हम रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ाते हैं, हम जनरल मेडिसिन सर्जरी पढ़ाते हैं, सो दैट वो, और उसके अलावा स्पेशलिटी में जब जाते हैं कार्डियोवास्कुलर पीडियाट्रिक न्यूरो वो पढ़ाते हैं, तो वो एज अ उन सारों के साथ हमारी कैपेसिटी होती है कि हम डिफरेंशिएट कर सकें एंड मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जो कार्डियोलॉजी पढ़ा रहा होता है वो कौन होता है? जो कार्डियोलॉजी पढ़ा रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। सबसे पहला ये है कि ये लाखों ग्रेजुएट है वो डॉक्टर की डिग्री के साथ यहाँ पे बैठना पड़ेगा। सर आप ये बहुत जरूरी है, this is the future of us. बोल दे। अच्छा जी आपने इंटरनेशनल की बात की, बोर्ड्स को लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के साथ ना प्लीज कंफ्यूज कीजिए। प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग ऑफ अ रेगुलेटर, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द एंटिटीज दैट टेक योर एग्जाम्स, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। In fact, as I mentioned, आप चार कमरे में थे, 50 स्टेट के 50 बोर्ड हैं और हर एक का अपना अपना थोड़ा फर्क है। और मैंने पिछली दफा भी मिसाल दी थी कि वहाँ एज अ फिजिशियन माई रेगुलेटर ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ क्लीन आर्ट फॉर मिजूरी दैट रेगुलेटेड नॉट जस्ट मी एज अ फिजिशियन बट ऑल्सो द यंग लेडी यूज टू कट माई हेयर। सिर्फ हर एक के अपने अपने उन्होंने सेक्शन क्रिएट किए हुए थे, सो प्लीज डू नॉट मिक्स दोस्ट, दैट्स अ मिस्टेक। दूसरी बात, डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद इन योर ओन डोमेन, वी आर टॉकिंग समथिंग एल्स। इफ आई कम टू यू विद मेनिंजाइटिस एंड आई हैव पेन हियर, वुड यू बी एबल टू सेपरेट इट? मे बी नॉट, बिकॉज यू हैवंट बीन टॉट मेनिंजीज, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस,
but how to pick that up and other manifestations and presentations of it. We have been talking. Sir, हम पढ़ते हैं, sir पढ़ते हैं. मैं आई. अगर आप ये बात कर रहे हैं, अगर आप ये बात कर रहे हैं, तो I think what you are trying to claim is that you can actually practice all of medicine, and that is the no. He is not saying like this, sir. वो वो उनके कहने का मकसद ये था जो जो cardiac rehab है. एक मिनट sir, सब कुछ पे जाते हैं sir. Sir, please. मैं जो आपकी बातों से समझा, कोई भी पेशेंट है, फॉर एग्जांपल कार्डियक पेशेंट है, वो आपको डायग्नोस करेगा डॉक्टर, कार्डियोलॉजी करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, वो ही रेफर करेगा कि आप इसमें कौन से प्रॉब्लम है. Exactly. कार्डियोपल्मोनरी है, उसकी आपको एक्सपर्टीज वो आप करेंगे. डायग्नोस भी हम कराए, पढ़ाए भी हम, और सब कुछ हम करें, तो ये तो प्रैक्टिस में हो गया. मैं सर अर्ज करूं, मुझे ना मैं सर अर्ज करूं कि 25 साल हो गए, मेरे पास आज तक कोई पेशेंट नहीं आया कि मेरे पेट में दर्द है. ये पेशेंट अंडरस्टूड होते हैं कि मैंने मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, और जहाँ पे मैंने डायग्नोसिस जो है मस्कुलोस्केलेटल की बात की है, मैंने डायग्नोसिस जो है कार्डियोवास्कुलर की बात की है. देखिए, दुनिया भर का एक पैटर्न है, उसको प्लीज ना तोड़ें. जिस अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, वहाँ आप ये राइट या ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ना आपको हक है वो करने का. उनके सिस्टम में वो कम पढ़े लिखे नहीं है, आप ही कितना पढ़े लिखे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको अपनी फील्ड्स बड़ी अच्छी आती हैं, जैसे आपको आती हैं, बट दे आर स्टिल नॉट द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर एन इवैल्यूएशन. रिहैबिलिटेशन एंड डिजीज के साथ जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, दोनों में फर्क है. जो पहले जिसको मरीज होगी, दिल की बीमारी होगी, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएगा, जो कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन करता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा. कार्डियोलॉजिस्ट उसको देखने के बाद कहेगा यू नीड अ रिहैबिलिटेशन, तो आप उसके पास जाए. हाँ, उसके बाद वो आपके पास ही आएगा. नंबर टू, ये याद रखें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ये हम नहीं देख रहे, ये अल्लाह ताला जरूर देखेगा. वो ये है कि ये बंदा जब आपकी रिहैबिलिटेशन से ठीक होगा, तो ये बेसिकली जाहिल बंदा है. ये अपने साथ वाले को कहेगा, यार मैं उसके पास गया था, उसने मुझे ठीक कर दिया है, तुम भी उधर चले जाओ. वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आप उसे कहेंगे, भाईजान आप पहले जाके कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाओ, फिर मेरे पास आओ. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये पूरी करते हैं. आप माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन है, आप मौजूद कारण है लाहौर में, आप उससे पूछे कि हम कितने पेशेंट उनके पास. I know. आप इसको करें. We work very closely. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाखों ग्रेजुएट. अच्छा, आप अपने पॉइंट बता दें. लाखों ग्रेजुएट निकल चुके हैं विद द टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिनको एडमिशन दिया आपने, के लिए आप शुरू में प्रीफिक्स डॉक्टर यूज करेंगे, सफिक्स जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट यूज करेंगे. उनके वालदे ने फीसें दी, उनको यूनिवर्सिटियों ने डिग्रियां दी. आज तो आप कह रहे हैं कि टाइटल डॉक्टर यूज नहीं करेंगे, जो उनकी बेसिक आपके पिछले 15 साल जो है वो किसी ने ये आपने अगर खुद अज्यूम कर लिया वो और बात है, एंड इफ इट वाज प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल वो अलग बात है. किसी ने लिया और एचसी के सर वो तो मैं डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी तो कोई नहीं रोक रहा. आप यहाँ पे रोक रहे नहीं सर, जैसे डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी लिखें, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स लिखें, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी लिखें, बिस्मिल्लाह, डॉक्टर ऑफ रिलीजियस साइंसेज लिखें. फाइनल पॉइंट ये है कि आपने डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर, उसके दरमियान में प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी थे, जिनके लिए इनिशियल ड्राफ्ट मौजूद था, उसको मर्ज करके एक नया आपने जो है वो ड्राफ्ट बनाया. इसका भी ठीक है, बात ठीक है. आई अंडरस्टैंड योर डिसअपॉइंटमेंट इन दिस, और आपको हैट्स ऑफ टू यू, द प्रोफेशन जिसने इतना पहले इस चीज में पहल की, लेट मी रिकॉग्नाइज यू, आप लोगों ने इसमें पहल की, कोई शक नहीं सर. मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है सर, चूंकि हमने एक पॉइंट से प्रोसेस शुरू हुआ ना, जिस पॉइंट पे शुरू हुआ उस पॉइंट पे एक सर्टन नंबर ऑफ प्रोफेशन जो है वो ग्रेजुएट डिग्रीज वाले आ चुके हैं. जब हमने कहानी शुरू की थी ना, तो जो लैब टेक होता था बेचारा, वो उसकी कोई एजुकेशन भी कई दफा नहीं होती थी. आज से अगर आप 25-30 साल पहले, अब वक्त के साथ ये सारे प्रोफेशंस हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई. नर्सें 10 साल मैट्रिक करती थी, 3 साल सीधी जाके नर्सिंग करती थी और नर्स बन जाती थी. आज आपने उनको कहा भी आपने इजाफी चीज़ करनी है, तो देखें
हमारे प्रोफेशन में ज्यादा पढ़े लिखे लोग विद मोर एजुकेशन आते जाएंगे। आपको क्या मालूम, ऐसे मैं कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा, आपको क्या मालूम कि कल हम कहेंगे एमबीबीएस करने के लिए हम रीटा वाला मॉडल करें, पहले चार साल कॉलेज पढ़ें फिर आएं, क्योंकि आपकी बेस एजुकेशन ब्रॉड इनफ नहीं होगी। तो ये चीजें वक्त के साथ इवॉल्व करती हैं, इसको बुरा ना माने। आपकी रिस्पेक्ट, मैं खुद आपको बता सकता हूँ, जो काम फिजियोथेरेपिस्ट करता है ना वो डॉक्टर नहीं कर सकता, ना उनके पास टाइम होती है ना उनकी ट्रेनिंग होती है। वी रिफर टू यू, वी डिफर टू यू, आपसे हम पूछते हैं यार वो मशवरा दें इसका क्या करना। तो हमने सबने अपनी अपनी डोमेन्स में रहना है, ये सिर्फ उन डोमेन्स की लकीरें हम लगा रहे हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, शुरू आपने किया था लेकिन ये प्रोसेस आपको स्लो चला तो ये यहाँ पहुंच गया। अगर आपकी पहले काउंसिल बन गई हो तो नेचुरली आप उसमें से निकल चुके हो। सर पाकिस्तान में सर फिजियो असिस्टेंट और फिजियो टेक्नीशियन जो है ना सर वो एक सात ग्रेड में सर एक दस ग्रेड में सर, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना सर वो सेवेंटी में सर, यहाँ पे जो है ना सर तीनों को एक ही जगह पे लाए हैं। नहीं सर, नहीं 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 सर, तालीम के मुताबिक, यही तो बात में, देखिए ये जो चीज बनाई है ना ये उसका बड़ा घर बनाया, आप समझे, हमने एक हाउसिंग कॉलोनी बनाई है उसके अंदर अब अलग अलग घर बनेंगे। जो हमारे असिस्टेंट है उसको भी आपने हमारे साथ ही कर लिया। नहीं, हम तो 17 में सर, सर ये देखिए संजी साहब ने आपका पॉइंट पहले ही उठा के बता दिया था, हमने उनको बता दिया कि जिसकी एजुकेशन डिग्री के लेवल की है उसके सेपरेट एडवाइजरी कमेटी है, आपकी जो पढ़ा लिखा फिजियोथेरेपिस्ट है उसकी स्पेशल होगी और बाकी जो टेक्नीशियंस हैं उनकी अपनी हो जाएगी, उसकी फिक्र ना करें। देखिए देखिए एक मिनट है, फिजियोथेरेपी वालों से हमने तीन दफा तीन लोगों को मुख्तलिफ सुन लिए, आप कहाँ से, किसके, किसे, साइकोलॉजी, ठीक है, हाँ जी आप बोलिए। Dean Faculty of Social Science from Shifat Anil and Tijos. सबसे पहले सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद और समरा सालिक भी साइकोलॉजिस्ट। गवर्नमेंट मिनिस्टर वी अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड प्रिंसिपल वी आर एग्री विद दिस बिल, रेगुलेशन होनी चाहिए सारे प्रोफेशन को। हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन है, इफ यू कुड लिसन केयरफुली जस्ट, अगर आप उसको लेते हैं जेल नहीं लेते तो हम वापस चले जाएंगे। फर्स्ट ये है कि इसमें अगर लिखते हैं साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, साइकोलॉजी की 54 डिसिप्लिन, हम कहते हैं कि आप इसमें सिर्फ क्लिनिकल को ले लें, दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर एंड प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, और साइकोथेरेपी की बात कर रहे थे ना, साइकोलॉजी मैं उस पे आ रहा हूं। वर्दी मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो जो दूर मुकदम का केस, ठीक है एग्रीड, आगे बोलिए, उसमें साइकोथेरेपी का अगर जाननी चाहिए, वो जो बंदा था वो साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ही था, तो अगर इसमें साइकोथेरेपी ना हो फिर भी वो दोबारा ये होगी, एक बार सर। सेकंड ये है कि जो ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा सर आपने रखा है 2 ईयर का, जो हमारे यहाँ बीएस 4 ईयर और मास्टर डिग्री के बाद जो डिप्लोमा है वो 1 ईयर का, अब अगर हम और वो इसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तौर से, अब अगर हम दोबारा जाएंगे तो वी हैव टू गो ऑन द एकेडमिक काउंसिल, जो उसके 2-3 साल लगेंगे कि दोबारा करिकुलम रिवाइज करना। अच्छा मैं अपने जो आपकी मैं मिनिस्टर साहब के सामने मैं आपकी बात जो मैं समझाऊँ और रिपीट करना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का जो एग्जिस्टिंग डिप्लोमा है वो 1 साल का, ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि उसका क्या होगा, ठीक है, तो क्या उसको रिकग्निशन। अच्छा देखिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब से पूछ लूंगा, नॉर्मली जो लॉ होता है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, वो प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। आप लोग जिन लोगों ने 1-1 साल किया होगा उसके लिए जो आपकी एडवाइजरी काउंसिल होगी ना वो मिनिमम स्टैंडर्ड, देखिए इसमें अगर हम लोग पेज नंबर 6 से या 5 से आगे नहीं गए, अगर आप लोग पेज नंबर 8 पे जाएंगे, पेज नंबर 8 पे जो एडवाइजरी कमेटी की जो
फंक्शंस हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो सारा सिलेबस, वो सारे स्टैंडर्ड, वो सारी एथिक्स, वो सारी चीजें जो मिनिमम सेफ एथिकल प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए वो सारे वो लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर आपकी एडवाइजरी कमेटी ने कह दिया कि नहीं इन लोगों को थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा। बिल्कुल सर, सर माय हम्बल सजेशन, एडवाइजरी कमेटी में 5 लोग हैं उसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन भी है। सर अगर आप मुझे तवज्जो दें, उसमें जो है वो सारे हेल्थ सेक्टर से जो आपके पास ट्रेनिंग और जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में ट्रेनिंग है वो इंडिया यूनिवर्सिटी से, बस हमारा सिर्फ ये हम्बल सजेशन है कि उसमें एक या दो बंदे यूनिवर्सिटी से भी होना चाहिए ताकि वो उसको गाइड कर सके कि किस किस्म का ट्रेनिंग होना चाहिए। सेक्टर साहब आप ये सुन रहे हैं ना, ये कहने के एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप लोग हेल्थ सेक्टर से मत ले, एक दो जो 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 इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं उनसे भी ले ले, क्योंकि पढ़ाना उन्होंने है तो उनका सिलेबस वगैरह वो है। देखिए दो एस्पेक्ट्स हैं इनके, एक क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है और एक इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो होता है वो नस्ट में और मुख्तलिफ कॉलेजेस में होता है, और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होता है वो आपके क्लिनिकल इन एसोसिएशन विद द साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल, उस लिहाज से होता है। अगर आपने सारे क्लिनिकल कर दिए तो वो एजुकेशनल एस्पेक्ट बीच में मिस हो जाएगा। तो एडवाइजरी कमेटी में जब आप जो सिलेक्ट कर रहे हो तो उनमें एक आध ऐसे हो कि जिनका ताल्लुक एजुकेशनल उससे हो। तो बस हमारा ये गुजारिश है कि एक चीज़ में सब लोग थोड़ा घबरा परेशान हो रहे हैं और सब सब स्पेशलिटी एरियाज वाले कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि आई अंडरस्टैंड क्यों हो रहा है। ये जो ऊपर ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला काउंसिल बन रही है ये सिर्फ टू प्रोवाइड यू विद द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर की जो बारीकियाँ हैं आपके अपने प्रोफेशन में तय करनी है, और उसमें कानून में इतनी लचक और गुंजाइश रखी गई है कि जैसे आपकी फील्ड के जो लीडर्स हैं मुल्क में जैसे वो तयन करेंगे वो वैसे ही होगा। देखिए मुझे ना फिजियोथेरेपी का पता है, ना मुझे साइकोलॉजी का पता है, वो आप लोगों को पता है। यू पीपल द लीडर्स इन दीज फील्ड्स विल एक्चुअली डिटरमाइन के जो अंदर के हद व खाल हैं वो क्या हो। इस पर ना परेशान हुई, द इंटेंट इज नॉट टू हार्ड वायर इट, इज इट टू कीप इट ओपन। सर आप ये गुजारिश है, आपने इतना जो काम किया है बहुत मुश्किल काम है जो आप लोगों ने बनाया, लेकिन ये देखना चाहिए था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी ओनली रिलेटेड टू द हेल्थ से, इट्स नॉट द होल साइकोलॉजी। आपको सेनेट की तरफ से एक इनविटेशन आई थी अभी नहीं, पहले भी आई थी ना, पहले भी आई थी ना, आपका नाम इस वजह से आया था आपके किसी एक इदारे के साथ काम कर रहे थे, डॉक्टर जो सलमा साहब है उनका नाम भी इसी वजह से आया था कि एक इदारे के साथ काम कर रहे हैं, आपके बगल में जो दो डॉक्टर जो बैठी हुई है साइकोलॉजिस्ट बैठी है इनका नाम भी इसी वजह से आया था कि इदारे में काम करें। ठीक है, इसी लिहाज से आप ही लोगों में से चंद लोगों के नाम चुने जाएंगे जो कि किसी इदारे के साथ एक रेप्यूटेबल जगह पे प्रोफेसर है, कुछ पब्लिकेशंस है, कुछ चीज़ें उस लिहाज से चुनी जाएंगी और वो होंगी। इतना आप लोगों को एतमाद करना चाहिए, और कुछ चीज़ें देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जो गवर्नमेंट जब बैठी होती है ना, या जो इसको सिलेक्शन कमेटी होती है वो आमतौर पे बाज़ लोग होते हैं उनको दिए जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों की सीवीज आ जाती है, उन सीवीज में उन्होंने एक दो तीन को चुनना होता है, जिनकी सबसे अच्छी हैवी सीवी होगी उसको पकड़ के चुन लिया जाएगा। अब वो अगर आपके खिलाफ वही बोलना शुरू कर दे तो उसका हम कुछ कह नहीं सकेंगे, बट दे विल बी साइकोलॉजिस्ट, दे विल नॉट बी साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, सो रेस्ट अश्योर्ड ओनली साइकोलॉजिस्ट विल बी डिफाइनिंग योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नोबडी एल्स। सर आपकी इजाजत से एक अंडरटेकिंग मैं दे देता हूँ सर, ये इसमें भी एक तो ये कि जो 9-2 है इसके अंदर वो जो कह रहे हैं वो हम बाद में करवा देंगे, इसको पास होने दें, इसको हम करवा देंगे। दिस इज एन अंडरटेकिंग दैट वी गिव इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब आप सब तमाम जिम्मेदार लोगों के सामने कह रहे हैं। दूसरा आपकी बात ठीक है, जो लफ्स होना चाहिए था वो क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए था, इसको हम अच्छा ये तो अमेंडमेंट भी नहीं होगी, ये तो कैबिनेट से करवा देगा। ठीक है, दिस इज इजी, आई एग्री। एक और सजेशन मैं इसमें कह रहा हूँ, शायद बाद में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम, ये सिर्फ एमफिल लिखा है, अगर उसके साथ स्लैश एमएस भी लिख दे
तो ये बाहर बड़ा वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि आप लोगों की किस जगह पे सर ये सर जो पेज स्टार्ट जो है ना स्टार्ट में लिखे एमफिल क्वालिफिकेशन हो गया आप लोग फिनिश हैप्पी प्लीज जस्ट ब्रीफली सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर फॉर डिस्कशन सर अनदर पॉइंट इज देयर इज It says that we have to take an exam after 2 years for licensing, for renewal of the licensing. So we will be concerned about that, that it may not be applicable to our field. So, इसको थोड़ा सा देख लें कि ये किस पेज पे लिखा है? Licensing and registration. किस जगह पे लिखा है? पेज नंबर. I think there's a one kind of question. नहीं, देखे, वो जो उसके लिए ना, वो जो जो मुझे समझ आती है, that is not एक आपने आपने जो लेना होता है फॉर एग्जाम्पल जो अमेरिकन बोर्ड वाले होते हैं दे टेक इट एवरी 10 years इसी तरह ही होता है ना हर एक के लिए मतलब मैंने एक अमेरिकन बोर्ड किया है मैंने 2009 में किया था मैंने 2019 में मैंने उसको रीसर्टिफिकेशन किया है इसी तरीके से फैसल भाई ने जो कि दो बोर्ड किए हुए हैं दोनों के इम्तिहान इनको देने पड़ेंगे वरना मारेंगे ठीक है वो एक चीज जरूर होती है लेकिन दूसरा हो जाता है कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइसेंस टू प्रैक्टिस दैट माइट बी देयर उसके लिए आपको सर्टेन सीएमईज होने होंगे अच्छा एक मिनट ये 12 नंबर सर्वे पे ओहो सही कह रही है लेकिन थोड़ा सा उसको एम्फेसिस के साथ पढ़ें क्लियर हो जाएगा 17 का 1 बोल रही है ना जी सर हां द काउंसिल शैल कंडक्ट नॉट लेस देन Twice a year, a licensing exam for each of the disciplines listed. ये तो काउंसिल वो ये कह रहा है कि काउंसिल इंश्योर करेगी कि साल में कम से कम 2 इम्तिहान हो जिसको आप दे के लाइसेंस ले सके ये आप पढ़ ही गलत रहे समझने के काउंसिल ने एग्जाम लेना है वो हर एक के अपने रीसर्टिफिकेशन नहीं कराना जी सेनेटर साहब आप हम भी यहाँ बैठे हैं सर 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 सॉरी सर मैं देखा नहीं था मेरी गलती सर जी सेनेटर साहब देखिए मेरी गुजारिश ये है या तो एक कमेटी बना दे इन सब की बातें सुने हो चुके हैं सर सब कुछ हो चुका है किसी चीज पे इत्तेफाक राय हो जाए उसको पास कर दी या फिर अलग काउंसिल दे दें इनको क्या डॉक्टरेट डिग्री है सिर्फ उनकी बना दी दो फील्ड अलग जिंदाबाद 5 साल है वो उनकी बना देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्दी डिस्कशन हो गई दोनों तरफ से उन लोगों ने भी कुछ पॉइंट रेस किया आपने भी हमने भी सुना मैं समझता हूँ कि अभी इस बिल में अगर हम इस जवाज को भी चेंज करते हैं तो ये दोबारा जाएगी वहाँ नेशनल में और हम कम्युनिटी को जो 5-10 लाख लोग हैं हम इनको भी सपोर्ट करना चाहते हैं इनको भी नहीं चाहते कि इनकी दिलाजारी हो और इनकी मेहनत ज़ाया हो जाए मेरी जो तजवीज़ है वो ये है कि अगर मिनिस्टर साहब अपने 2 बंदों या 3 बंदों को कर ले और इनसे भी 2-3 बंदे ले लें और आपस में बैठ के 1-2 घंटे डिस्कशन करें और फिर आप लोग कमिट करें जैसे इसने कहा था कि मैं लिखने देने के लिए तैयार हूँ ये बहुत अच्छी बात है जो यूसुफ जई साहब के कुछ रिजर्वेशन के जवाब में कहा तो अगर ये आपस में बैठ के और फिर दोनों तरफ कंसेंसस से एक पिच पे आ जाए इनकी अंडरटेकिंग या इनकी कमिटमेंट से तो फिर हम इसको आगे ले जा सकते हैं सर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी लेट्स डू इट लाइक दिस मैं और आप जी मैं आप हम ये जो कमेटी के जो मेंबर हैं सर हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि इन लोगों ने जो कमिटमेंट की है सही वो ये पूरी करेंगे वो ये पूरी करेंगे और अगर उसमें किसी जगह पे कमी रही तो हम एज अ कमेटी इस चीज को लेकर इंट्रोड्यूस करके उसको करेंगे ये आप भी जाते हैं आप लोग हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं एटलीस्ट वी नो
ऑल ऑफ अस टुगेदर कि हम लोग सारे इस काम के लिए इकट्ठे हैं, हम लोग यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करता या जो चीज होती है, तो वी आर ऑल टुगेदर इन इट. इट वॉज अ वेरी हेल्थी डिबेट. अनफॉर्चुनेटली हर एक बात हर एक बंदे की नहीं मानी जा सकती, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी बहुत अच्छे दरमियान के रास्ते हो चुके. जी सेनेटर साहब, बिल्कुल आप लेकिन ये कि हम ऐसे कमेटी कमिटमेंट इनको नहीं दे सकते. एक दफा ये लॉ पास हो जाता है देन इट इज आउट ऑफ आवर हैंड्स. हमारी कमिटमेंट सौ दफा है लेकिन हमारी कमिटमेंट की वैल्यू क्या? हाँ, कमिटमेंट की वैल्यू है तो वो डॉक्टर साहब की. एंड आई नो दैट ही इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट. इफ ही गिव्स द कमिटमेंट, यही कह रहा हूं ना, मैंने यही कहा. हम तो है ही है लेकिन ही हैज अ कमिटमेंट बिकॉज़ ही सेनेटर साहब डॉक्टर हम अमेंडमेंट ला सकते हैं. आप और मैं अमेंडमेंट ला सकते हैं. वो करेंगे. हाफिज साहब आपसे बात नहीं करना, आपको पता है. मैं आपसे तो जो लड़ाई करनी होती है मैं यहां कर रहा हूं. हाफिज साहब एक मिनट, एक्सक्यूज मी प्लीज, खामोशी प्लीज, एक्सक्यूज मी. जो बिल यहां से पास हो जाएगा कमिटमेंट या उसमें बाद में जाए इस पे कि हम मिसाइल का शिकार, अभी उसको पेंडेंट कर ले, अगले हफ्ते ये सारी चीजें तैयार करके ले आए, दोबारा रख ले उसको. yes. सर, वो हो चुका है. नहीं, वो इसमें बात चेंजेस नहीं कर सकते. इसमें चेंजेस नहीं कर सकते सर. इसमें निकाल दें फिर ना सेनेटर साहब. इस तरह है, इस तरह है. इसमें इसमें दो किस्म की चेंजेस है. एक वो चेंज है. एक मिनट है, एक मिनट है, एक मिनट हो सकता है. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी. ठीक है सेनेटर साहब, इस तरह है, दो किस्म की चेंजेस है. एक वो चेंजेस है कि अगर आप इसमें कुछ चीज चेंज किया तो आपको इसको दोबारा पास करवा के लाना पड़ेगा. दूसरी चेंज वो है कि जो इन लोगों ने बताया कि वो जब इसको आगे करेंगे कैबिनेट के पास जाएंगे तो उधर ही उसकी चेंजेस आ जाएंगी, तो उसके लिए उसको दोबारा नहीं जाना पड़ेगा. वो चेंजेस इन्होंने कह दिया वो अभी कर लेंगे. मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूँ, मिसाल इस तरह देता हूँ कि इनमें से ज्यादातर लोग जो थे जो बिल पढ़ रहे थे वो पुराना बिल था, जो वो लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी को कर रहे थे. ये ऑलरेडी वो चेंजेस ला चुके थे. ठीक है, उन लोगों ने आगे नया बिल जो चेंजेस आ चुके थे वो नहीं पढ़ा था, तो दे वर स्टिल स्टक ऑन द बैक. रही बात यह कि इसमें जो चीजें बाय लॉ जो एक प्रोसीजर है लॉ का वो चेंजेस है, तो वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम कर देंगे. और यहाँ पे हमें एक दूसरे के ऊपर इतना एतबार होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की जो कमिटमेंट का ऑनर होता है, बाज लोगों के लिए आप सोच लें कि वो ज्यादा ऑनरेबल कमिटमेंट करते हैं, बाज लोग शायद ना करते. ठीक है, इतना हम समझते हैं कि मैं ये जानता हूँ, जितने अरसे से मैं जानता हूँ, आप लोग शायद इनको साल डेढ़ से जानते हैं, मैं 45 ईयर से इनको जानता हूँ, इन्होंने आज तक कोई कमिटमेंट मेरी जिंदगी में ऐसी नहीं रही कि इन्होंने कमिट की और पूरा ना किया. ठीक है, अच्छा जी सेनेटर साहिबा, कानूनी चीज को भी देखनी है कि मैं एक दफा फिर आपको कह रहा हूँ कि आप इस बिल में कोई लफ्ज चेंज नहीं कर सकते हैं. नंबर वन. नंबर दो, अप टू द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस आप इनके साथ क्या कमिट करते हैं वो आप सुने, और फिर मेरी जो तजवीज है वो ये है कि आपस में अभी यहाँ ये कहें ये कहें, अगर आप तो तीन घंटे और भी एक अच्छा मसला है इस पे आप बैठे बाद में, और जो चीजें आप उनको बाद में करवा देंगे. लेकिन अभी अगर आप कहते हैं कि हम इस बिल में चेंजेस कर सकते हैं, नहीं, तो आपकी बात जी सर, जो तंगी साहब की बात है कि हम इससे एग्री है कि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, फिर इन मिनिस्टर साहब की जो है वो क्या कमिटमेंट करेंगे, फिर इनको किस तरह से ये चीजें मैं बता रहा हूं. वो चार पॉइंट हमने एग्री किए हैं. पहला ये कि स्केड्यूल में सेंटर बनवाना है, तो अमेंडमेंट भी नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जहां लिखा है उससे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी का लफ्ज लिखना है, वो अमेंडमेंट है. वो सिर्फ एक अमेंडमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें एकेडमिक का जिक्र डाला है.
वो अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। लेकिन देखें दोनों सारी पार्टियां हैं, अगर एक तरफ होंगी वो अमेंडमेंट बिल्स सर आर के वेंसेस हैव नॉट बीन हैड, लेकिन आप बताएं ट्रैफिक काउंसिल हम आपके लिए आर के वेंसेस हैव नॉट बीन हैड बैठे हैं। एक दफा फिर मैं कह रहा हूं कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं और मिनिस्टर साहब जो ड्राफ्ट पास हुआ उसके उसी का आगे हम इस पोर्शन में शामिल नहीं होना चाहते सर, नहीं होना चाहते सर, अगर पोर्शन बना दे क्यों नहीं बना सकते उसका खर्चा भी नहीं होता। लेकिन जितने डॉक्टरेट डिग्री होल्डर है उनका अलग बना दें। एक मिनट एक मिनट, लाल हाफिज अब्दुल करीम साहब ने बात ठीक की है, उनको इंडिपेंडेंट काउंसिल दें। हाफिज साहब अच्छी बात है, असद वैसे हाफिज अब्दुल करीम का खबर हो कम जाए सर, एक मिनट डॉक्टरेट डिग्री अलग काउंसिल दें। आज एक काम कर दिया और एक अस्तर दिखा दिया, कल को आपको प्रॉब्लम होगी मुझे प्रॉब्लम होती है। जितने भी 5 years और 4 years प्रोग्राम में उनके अलग से कौन सा बना है, बाकी सब ऑलरेडी है बीच में, नहीं उस तरह नहीं ऑलरेडी है, नहीं है तो उसी में सर अलग भी सबसे पहला पॉइंट ही वो उठाया था सर। अगर आप हमें 5 सालों का अलग कर दें, बाकी जो अलग 2 साल के, ये मुल्क इतना अमीर नहीं सर, आपने मुझसे पूछ के बात करनी है मिनिस्टर साहब जी, प्लीज आपके सामने मौजूद है, दूर क्यों जाएं, टेस्ट बनी हुई है होम्योपैथी की बनी हुई है, मैं क्या बोलूं जहां वो जितनी और इवन नर्सिंग में जो दाल बटी है पीछे वो फार्मेसी खुदा का वास्ता है, प्लीज लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड। आप ये चीज भूल रहे हैं कि हम आपके लिए एक ओवरआर्चिंग काउंसिल बना रहे हैं, उसके अंदर की जो एंटिटी है वो आपकी अपनी होगी सर। इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त हमारे 40,000 थेरेपिस्ट हैं और सेम इतने ही अंडर ग्रेड में पढ़ रहे हैं 80,000, 200 इंस्टीट्यूट है हमारे, ये आपको कितनी अर्निंग देंगे सर? फिर अगर हम नहीं संभाल सकते फिर तो मुल्क भी नहीं संभाल सकते सर, अगर हमें काउंसिल नहीं संभाल सकते तो मुल्क कैसे संभाल रहे सर? मैं आपको फिर आपको जवाब दे दूं कि बेवजह के खर्चा जान बढ़ाने डुप्लीकेशंस क्रिएट करनी, देखिए मैं अपने रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा हूं, मेरे ऊपर ही खर्च कर रहा हूं। काकर साहब इसरा लेट मी क्लोज इट ओवर हियर। तंगी साहब मैं आपसे भी, तरीन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं इस बात पे नहीं एग्री करता कि अगर कोई हमें ये कहे कि हमें इसमें शामिल नहीं, हमने लोगों को एकोमोडेट करना है, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म देना है जिसमें उनको रेगुलेट किया जाए, हम उनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं करेंगे। लेकिन अगर कोई हम लोगों को ये कहे तो आज मुझे कल आपको परसों तरीन साहब को तरसों किसी और को हम सब के लिए प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो वी नीड टू रेगुलेट ऑल द पीपल हु आर नॉट रेगुलेटेड, इट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज नॉट द लास्ट स्टेप। इसमें जब काम शुरू होगा उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बाद फिर उसमें एक्ट आएंगे। हम लोग रोजाना एक न एक अमेंडमेंट ला रहे होते हैं सर, आप जैसे चंगी साहब को कह चुके, मुझे कह चुके, मुझे एक बात बताएं, आपके अलावा कितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया, मैंने किसी को नाक कही है, तंगी साहब ने किसी को नाक कही है, तरीन साहब ने किसी को नाक कही है, सर नहीं हो जाएगा, लेकिन देखिए यू विल बी, लेट्स पुट इट लाइक दिस, यू विल बी अकोमोडेटेड बट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस बिल। हाफिज अब्दुल करीम साहब ने भी बात की है, हम हाफिज अब्दुल करीम के सामने बड़े जबरदस्त तरीके से बयान किया, ये लोग कह रहे हैं कि जी हमें इस काउंसिल से निकाला जाए। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने कहा कि मिनिस्टर साहब और हम लोग आप लोगों के जो जो वैलिड रीजंस हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनको फैसिलिट करेंगे जैसे अभी आपने कहा है। लेकिन my personal note, I don't know about my colleagues, worthy colleagues, my personal note is that they will be a part of this council.
आई वॉन्ट टू नो योर एज अ गवर्नमेंट कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और अगर एक दो हमारे मेंबरान भी इसके ऊपर कुछ कह दें तो वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑन. मुझे ये बात समझ में नहीं आई किनकी डिमांड है कि हमें काउंसिल में लिया जाए और किनकी डिमांड है कि हमें काउंसिल से निकाला जाए. ये मुझे समझ में सर पांच महीने वाले कह रहे हैं हमें ले लें, पांच साल वाले कह रहे हैं हमें निकाल. यस अलग काम दो चीज है. सिंपल बात है, सिंपल बात है. पांच साल पांच महीने वाले कह रहे हैं हमारी ऑफिशियल पोजीशन. एक्सक्यूज मी ऑर्डर. चेयरमैन साहब ऑफिशियल पोजीशन बड़ी क्लियर है जी. हम समझते हैं कि एफिशिएंसी और प्रॉपर मैनेजमेंट की खातिर एक ओवर आर्चिंग काउंसिल होनी चाहिए, उसके ये हिस्से होने चाहिए और ये फ्यूचर का वे ये है.